आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे आज के रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सीधे सीधे विषय की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं कि आज का जो विषय है उसमें क्या संभावनाएं हमारे लिए है, क्या आगे का मार्ग है, कौन से विविध आयाम हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और सीधा की जैसे आप विषय देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि लर्निंग टू डिकोड द माइंड ऑफ ए विजुअल आर्टिस्ट एंड हिज पेंटिंग्स इज और हर आप कर सकते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ योग दर्शन एंड काश्मीर शैविज्म। योग दर्शन और काश्मीर शैविज्म के आधार पर हम जो भी चित्रकार है, रचनाकार है, उसका मन का जो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें कैसे वो सब कुछ उभरता है, कैसे वो सारा सुसंगत होता है और फिर उसकी अभिव्यक्ति जो चित्र के रूप में हमें दिखाई दे वो कैसे दिखाई देती है। तो दोनों ही स्थितियों को समझने के लिए जो चित्रकार की रचना है उसको कैसे समझें और चित्रकार के मन में जो एक प्रक्रिया चल रही थी जिसकी अभिव्यक्ति आपने देखी उसको समझने में योग दर्शन और काश्मीर शैव दर्शन जो है ये हमारी क्या सहायता कर सकते हैं और उसमें से कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको लेकर के हम इस सारे विषय को समझने का प्रयास कर सकते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से इस तरह के विषयों को साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी वाले डिस्कस कर लेते हैं या फाइन आर्ट्स के लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसके दार्शनिक आधारों की ओर अग्रसर होते हैं जिसमें साइकोलॉजी, फिलोसफी, फाइन आर्ट्स सब कुछ ही सम्मिलित होता है, तो आपको योग दर्शन और काश्मीर शैविज्म की ओर आना ही पड़ता है। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस सारे विषय के ऊपर। जैसे जैसे हम अग्रसर होंगे तो और अलग अलग विषयों को जब हम लेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से अन्य दर्शन भी जो हैं वो सौंदर्य की मीमांसा करने में उस की जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनको डिकोड करने में वो हमें किस तरह से सहायक होती हैं। तो लेकिन आज हम केवल इन दो विषयों पर रुकेंगे और देखते हैं कि इस सारे विषय को हम कैसे समझ पाते हैं और जो मुख्य वक्ता है वो हमारे लिए किस रूप में कैसे प्रस्तुति देते हैं। तो अगले 3-4 मिनट 5 मिनट में आप लोगों के साथ कुछ बातें साझी कर लेता हूं, क्योंकि हम लोग वेबिनार जब आरंभ करते हैं तो उसमें ये एक मुख्य बात रहती है कि उसका जो आरंभिक बिंदु है वो वहां से होता है जहां तक हम जानते हैं, कुछ हम जानते हैं और फिर उसके आगे की बात करने के लिए हम मुख्य वक्ता को आमंत्रित करते हैं कि इतना हम जानते हैं, इसे आगे आप हमारा निर्देशन करें। तो सबसे पहले आप काश्मीर शैव दर्शन की इस एक श्लोक को देखें, बहुत सुंदर है और मुझे लगता है हर फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट का ये एक लोगो में होना चाहिए या मोटो होना चाहिए ये श्लोक क्यों। और ये स्तव चिंतामणि है, ग्रंथ है काश्मीर शैव दर्शन का और 9वां श्लोक है ये कि निरुपादान संभार मिथ्या एव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कला श्लाघ्याय शूलिने, कि बिना उपादानों के, बिना साधनों के ही अभित्तावेवते ना साधनों के कार्य को वो फैला देते हैं। कहां पे अभित्ता, बिना भित्ति के, कैनवस भी नहीं है वहां और साधन भी कोई नहीं है, लेकिन वहां पर वो कार्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। किस रूप में? जगत चित्रम नमस्तस्मै, इस विचित्र जगत को, इस चित्र विचित्र जगत को प्रस्तुत जो कर देते हैं बिना साधनों के, बिना भित्ति के, अध्याय शूलिने, ऐसे उस भगवान शूली को जो शिव हैं, जो कला श्लाघ्याय प्रशंसनीय हैं कलाओं के लिए, वो उनको हम नमस्कार करते हैं। तो ये एक बीज हमें दे देता है कि जो क्रिएटिव माइंड है वो कैसे अपना जो है वो प्रस्तुति देता है, क्योंकि जो सामने आपके चित्र आता है वो तो सबसे आखिरी बात है, लेकिन उसके भीतर वो कहां से उभरता है, कैसे वो सारी कल्पनाएं होती हैं, कैसे वो उसको एक सिस्टम देता है, ये सारा का सारा श्लोक उसको प्रस्तुत कर देता है। आगे की जितनी बातें हैं मैं उनकी व्याख्या में नहीं जा रहा क्योंकि समय मैं बचाना चाहता हूं और मैं ये अपेक्षा करता हूं इन
शब्दों से आप परिचित होंगे, इनके अर्थों से परिचित होंगे। केवल मात्र मैं केवल इतना आपसे साझा करना चाहता हूं कि योग दर्शन की दृष्टि से आप यूं समझ लीजिए कि वाई एक्सिस आप यहां पे समझ लें कि योग दर्शन की दृष्टि से आपको तीन पक्ष इसके पता होने चाहिए, किसी भी रचना स्क्रीन पे ये सारा देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चित्त का जो है वो अनुमान होना चाहिए, चित्त के बारे में ज्ञान होना चाहिए और चित्त की जो भूमियां हैं जो कि क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। तो जब भी कोई कलाकार है किसी का आपने मूल्यांकन करना है तो मुझे लगता है कि जो विक्षिप्त चित्त से निरुद्ध चित्त तक के बीच की जो यात्रा है वो किसी भी कलाकार की होती है, चित्रकर्म की होती है। विक्षिप्त चित्त जो है आप इसको अंग्रेजी में मत समझिएगा, विक्षिप्त का मतलब है कि कभी आइडियाज आ रहे हैं, कभी कॉन्शियसनेस उभर कर आ रही है, कभी आप में भावना प्रधान हो रही है और फिर वो धीरे धीरे जब एकाग्रता की ओर चलती है और फिर जाके वो निरुद्धता स्थिरता में चली जाती है तो आप एक क्रिएटिव आइडिया को एक फॉर्म देने लगते हैं। अब ये फॉर्म जो है वो चार प्रकार, उसमें चार चीजें बड़ी महत्व की रहती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसको भी देखें, आप इनकी आंखों को देखें, आप इनके एक एक लाइन को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि शब्द वृत्ति, भाव वृत्ति, विचार वृत्ति और कर्म वृत्ति। इस जो चित्र आप देख रहे हैं स्केच, इसमें आप देखें कि भाव और विचार की जो वृत्ति है वो ज्यादा डोमिनेंट है। कि कौन सी वृत्ति, वृत्ति का मतलब है बर्तन की एक खास तरह का मोड बनता है, वो कलाकार का भी बनता है और चित्र जो है आपका उसका भी एक मोड होता है। तो आप अगर इन आंखों के ऊपर फोकस करें तो आप देख पाएंगे कि इसमें भाव वृत्ति बड़ी है और विचार की भी प्रबलता है। आप ये मतलब आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं, अगर आप इन लाइनों को देखें, आप इन ऊंटों के साथ देखें, आप माथे को देखें, माथे की चौड़ाई और ये सारी चीजें आप सभी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं केवल आपके साथ शब्दों को साझा कर रहा हूं अभी, समय जो है वो बच जाए। तो यहाँ पर इस चित्र में हमें भाव वृत्ति और विचार वृत्ति की प्रबलता जो है वो बड़ी गहन रूप से दिखाई देती है। और इसके साथ क्या होता है कि जब चित्त भूमियों की अवस्था से गुजरता है तो जो कलाकार है, जो चित्रकार है, उसमें धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम भी आते हैं। और वही चीजें जो हैं वो आप यहाँ पे स्केच में जो शंकर जी ने बनाया है, ये मैंने वही उनका बनाई हुई जो है वो कृति जो है यहाँ ली हुई है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब वो ड्रॉ करना शुरू करते हैं एक स्पेसिफिक कैनवस के ऊपर तो उसमें धर्म परिणाम आने लगते हैं, फिर लक्षण परिणाम आने लगते हैं और अवस्था परिणाम आती है और तीनों को मिलके जा करके फिर हमारे सामने एक चित्र पूरा प्रस्तुत होता है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इन परिणामों के परिणाम त्रय से आप सभी लोग परिचित हैं। दूसरी ओर जब आप कश्मीर शैव दर्शन को वाई एक्स एक्सिस पे देखिए, आप हर कलाकार की, कृतिकार की छह सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, जिसे हम माया, कला, विद्या, राग और नियति कहते हैं। माया यहाँ पे उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में वेदांत है। माया का अर्थ यह है कि लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि हर व्यक्ति, हर कलाकार अपने आप में एक सीमित होता है। उसकी लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिविटी होती है, लिमिटेशन ऑफ उसकी नॉलेज है, लिमिटेशन ऑफ अटैचमेंट राग, लिमिटेशन ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ स्पेस। ये छह चीजें भी हमें पता होनी चाहिए अगर हम देखना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो कश्मीर शैव दर्शन ये कहता है कि पहले आपको ये सारी सीमाएं पता होनी चाहिए। अब इसके बाद एक जो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मैं इस जिससे बहुत प्रभावित हूँ और इसको अक्सर मैं इन तीन स्थितियों को प्रयोग करता हूँ हर तरह की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए या मानवीय व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए बड़ा आवश्यक है। यहाँ पर जो एक वृत्ति बनती है, ये वृत्ति जो है योग दर्शन की वृत्ति से कुछ अर्थों में भिन्न है। किस अर्थ में भिन्न है कि ये एक तरह की अटैचमेंट है। अहम इदम जो स्थिति होती है वो है कि या तो मैं अपने आप को किसी वस्तु के साथ, स्थिति के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ, या दूसरी स्थिति ये होती है कि वस्तु के साथ मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, मैं वस्तु के साथ और कभी वस्तु को मैं अपने साथ आइडेंटिफाई कर लेता हूं।
तो ये दो स्थितियों में जाकर के क्रिएटिविटी शुरू होती है, आपकी सारी समस्याएं भी वहीं से होती हैं, आपकी रचना धर्मिता भी वहीं शुरू होती है। लेकिन एक तीसरी स्थिति और होती है, लेकिन वो ज्ञानी की स्थिति होती है, वो जिसको आप कहते हैं सिद्ध योगी जो होते हैं उनकी स्थिति होती है, इदम इदम अहम अहम, यानी कि जो वस्तु है वो वस्तु है और जो मैं हूँ चेतना रूप वो मैं हूँ। तो उस स्थिति में जाकर जब चित्रकार या कवि कवि जो है वो जब इन चीजों को लिखता है या बनाता है करता है, वो उसका एक बिल्कुल नितांत स्तर हो जाता है। और ये जो आप बड़े बड़े पेंटर्स देखते हैं, और मुझे लगता है कि शायद जो शायद पिकासो की वो जो पेंटिंग्स हैं उनमें कई कई जगह वो शायद दिखाई देता है, मोनालिसा शायद जो उसकी स्माइल वगैरह है, वो इस तरह की चीजों को आप शायद वहां देख सकते हैं। तो ये एक मूलभूत बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसके आगे की चर्चा जो है शंकर जी हमारे साथ करेंगे। तो इससे पहले कि वो उनको मैं आमंत्रित करूं और बाकी बातें कुछ और भी बातें करूं, आपका मैं परिचय कराना चाहूंगा आज के हमारे रिसोर्स पर्सन श्री सुरेंद्र शंकर आनंद जी। तीन शब्दों से बना हुआ है और तीन जो है वो पूरा क्रिएटिविटी का ही सिंबल है। तो शंकर जो है वो सुरेंद्र तो है ही, देवताओं के भी ईश्वर हैं संपूर्ण तो मुझे लगता है सुरेंद्र जो है वो शंकर के सपोर्ट करता है और शंकर जो है वो आनंद को सपोर्ट करते हैं। तो कल्याण से आनंद तक की यात्रा जो है वो मुझे लगता है उन्होंने इसीलिए अपने ये नाम जो है तीनों जो एस्पेक्ट हैं वो अपने में समाहित कर रखे हैं। तो जाने पहचाने और बड़े प्रसिद्ध जो है विजुअल आर्टिस्ट हैं चंडीगढ़ में, मैं जानता हूं उनको, और नॉर्थ इंडिया में बहुत कुछ इन्होंने किया है जिसकी मैं संक्षिप्त परिचय आप लोगों से कराऊंगा। और उसके साथ वो डायरेक्टर हैं ई सॉल्यूशन स्पेस, ये कंपनी है जिसके वो डायरेक्टर हैं और अपना बिजनेस उसी से चलाते हैं, लेकिन अपना स्वधर्म समझ करके शैंकी स्टूडियो के भी ये डायरेक्टर हैं, जहाँ पर वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को करते हैं, आर्टिस्टिक गतिविधियों को, जिन गतिविधियों में आप देख सकते हैं कि उन्होंने विजुअल आर्ट्स की एग्जीबिशंस बहुत सारी लगाई हैं, जिसमें 500 से अधिक पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, सीखने वाले लोग भी आते रहे हैं, और 400 से ज़्यादा जो है उन्होंने फ्री क्लासेस भी लगाई हैं, और उनसे सीखने वालों की जो एज ग्रुप है वो 4 साल से लेकर 75 वर्ष की उम्र तक के लोग उसमें रहे हैं। और उसके अतिरिक्त इन्होंने जो अपने कोलैबोरेशन में जो कुछ काम किए हैं वो 600+ आर्टिस्ट के साथ काम किया है जो ड्राइंग और पेंटिंग और इन सब कलाओं से जुड़े हुए हैं, और उसके अतिरिक्त 4,000 जो हैं वो आर्ट वर्क्स इन्होंने डिस्प्ले किए हैं, जिनको 10,000 से भी ज़्यादा विजिटर्स ने जो है वो विजिट किया है। और प्रोफेशन तो आपको बता ही दिया मैंने कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं 35 सालों से, और अमेरिका शुरू में रहे, वहां से अपना बिजनेस शुरू किया और फिर अपने भारत की ओर वो अग्रसर हो गए, और यहीं उन्होंने सारा अपना कार्य आरंभ किया। और अगर आप आर्ट एजुकेटर के रूप में इनकी रेटिंग को देखें 4.9, हालांकि मैं इसको नहीं ठीक से जानता कि ये रेटिंग किस, स्तरीय है। और इसके अतिरिक्त जो उनकी रुचियां हैं अध्यात्म में, योग दर्शन में, ऊपर इनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित तो है जिसमें जिससे आज हम रूबरू भी होंगे और उनसे हम जानेंगे और समझेंगे इस सारे प्रोसेस को हम कैसे देखें। लेकिन उससे पूर्व उद्देश्य और मैं आपके साथ साझा कर लूं। देखिए, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं तो आप देख तो पाते हैं कि उसकी प्रतिभा जो है उसी के कारण, उसमें प्रतिभा के दो रूप आपको दिखाई देते हैं। प्रतिभा परिभाषित जो है वो कश्मीर शैव दर्शन कैसे करता है, नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा, कि हमेशा कुछ ना कुछ नया जो उत्पन्न करता है उसको प्रतिभा कहते हैं। और ये प्रतिभा दो प्रकार की है, कार्यत्री प्रतिभा जो कि करने को कर्म से उत्पन्न होती है, आपको कर्म में वो अभिव्यक्त होती दिखाई देती है, और दूसरी होती है भावयत्री प्रतिभा, ये आप नीचे देख पा रहे हैं। तो भावयत्री प्रतिभा जो है वो शक्ति जिस
से कर्म प्रेरित करते हैं, आपके कर्म प्रेरित होते हैं। तो भावना और कर्म ये आपकी प्रतिभा में जब अनुस्यूत होते हैं तो आपके सामने इस तरह की पेंटिंग्स और ड्राइंग्स आने लगती हैं, कितनी रियलिस्टिक ये है और कितना सारा ऑरा इसके बीच में आपको दिखाई देता है। ये भी सुरेंद्र जी की ही, सुरेंद्र शंकर जी की ही पेंटिंग है। एक दो बातें और मैं आपके साथ दो स्लाइड्स और शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें का होंगी तो हमें थोड़ी सी सुविधा और हो जाएगी। देखिए, जब भी कोई कलाकार होता है, रचना करता है, वो कोई बिल्कुल सिद्ध योगी की स्थिति में नहीं चला जाता, वो मुक्त अवस्था में नहीं होता, उसमें कोई ना कोई मल शेष रह जाते हैं कश्मीर शैव दर्शन के हिसाब से, उसके अनुसार। तो एक तो उसमें जो रह जाता है जो मल, जिसकी वजह से वो पेंटिंग में कोई ना कोई हम एक खास एंगल ढूंढ लेते हैं, देख पाते हैं। और यहाँ भी मैं चाहूंगा कि आप अपना फोकस के ऊपर करें कि ये देखिए, ये जो लाइनें आप देख पा रहे हैं, मार्क्स देख पा रहे हैं, देखने का जो तरीका है, और ये नीचे ऊंट और जो चिन्ह आदि हैं, इनको अगर आप देखें तो इसके आधार पर आप मान कर सकते हैं कि कर्ममल का स्तर क्या रहा होगा। ये मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा आगे चल के, लेकिन जानने वाली बात यह है कि हर कलाकार में, हर कलाकृति में एक कर्ममल होता है कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार, जो क्रियाओं की पूर्णता का अभाव एक तरह से वो होता है। शब्द आपको ध्यान रखना है वो है मायामल, माइक मल इसे कहते हैं, कि ये चेतना में जो भेद पैदा होता है कि मैं और मैं पेंटिंग कर रहा हूं, ये जो भेद रहता है वो माइक मल कहलाता है, उससे भी अपूर्णता उसमें आती है। लेकिन ये स्थूल आंखें वालों को जो है वो अपूर्णता का बोध नहीं होगा। ये जिसके पास ये दृष्टि विकसित हो जाती है, संवेदनशीलता विकसित हो जाती है, वही इस बात को जान पाता है। और तीसरा एक और मल होता है जिसे आणमल कहते हैं। ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म अशुद्धता होती है कि चेतना जो है वो अपूर्णता का भाव, कि यार मैंने पेंटिंग तो बना दी, सब कुछ अपना लगा दिया, सारा मेहनत लगा दी, सारी कल्पना लगा दी, लेकिन बात नहीं बनी, ये जो अपूर्णता का भाव होता है इसको आणमल कहते हैं। तो इन तीन शब्दों को आप अवश्य ध्यान में रखें, कर्ममल, माइकमल और आणमल, जो किसी भी जो रचना धर्मिता की प्रक्रिया है उसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद एक बात और थोड़ी टेक्निकल है, वो ये है कि हर जो कलाकार होता है उसको कश्मीर शैव दर्शन की दृष्टि से हम सात स्तरों में देख सकते हैं, सात उसके भेद होते हैं, धीरे धीरे वो कैसे डेवलप करता है। अगर आप चाहें तो आप उसका मूल्यांकन इस रूप में कर सकते हैं कि वो कहाँ से अपनी यात्रा शुरू करता है और कहाँ तक उसके पास संभावनाएं हैं। तो सबसे पहली जो स्टेट होती है वो होती है सकल प्रमाता की। यहाँ पर क्या है कि केवल जो कलाकार है वो केवल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को देखता है, सामने पत्थर को देखता है या वस्तु को देखता है, देखता ही रहता है, लेकिन उसके मन में कोई भाव नहीं उठता। प्रलय काल में होता है कि एक वो स्थिति आती है जहां पर वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ अटैच था, और उसके बाद फिर उसके मन में एक बिल्कुल निराकारता आ जाती है, अनकॉन्शियस, जिसको अनअवेयरनेस एक स्थिति वो रहती है। लेकिन उसके बाद यहां से तीसरी स्थिति से उसमें जो है वो जो उसने पहले तपस्या की है, योग किया है, उन साधनों का परिपालन किया है, वहां से उसमें एक अवेयरनेस, एक भावना, एक विचार उत्पन्न होने लगता है, और वो धीरे धीरे विकसित होता हुआ चौथे स्तर पे आता है जिसे मंत्र प्रमाता कहते हैं। अभी केवल आप इन शब्दों का ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा बाद में करेंगे, या अन्य लोग भी इस सारे विषय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के मंत्र प्रमाता के की स्थिति में आकर के कलाकार में स्वतंत्रता का भाव जो है वो स्वातंत्र उत्पन्न होने लगता है, कि जहां पर वो अहम अहम इदम इदम के भाव को होता है कि यार ये क्रिएटिविटी मैंने करनी है, ये रचना करनी है, अब वो तैयार हो जाता है मानसिक रूप से। और पांचवें स्तर पे जो कलाकार का पांचवा स्तर होता है वहां है कि वो अपना विस्तार, अहम की जो भावना होती है उसका वो विस्तार करने लगता है, उसको अभिव्यक्त करने लगता है चित्र कर्म में। वहां पर वो दिखाई देने लगता है कि कैसे वो अपने विचार को, अपने भावों को वो अभिव्यक्त करता है, अपनी वृत्तियों को अभिव्यक्त करता है। और फिर छठे स्तर पे मंत्र महेश्वर जिसे कहते हैं, जहां पर वो पूरी तरह से एक
ट्रांसेंड होकर के, ट्रांसेंडेंटल स्टेज में जाकर के अपनी कला को पूर्ण कर देता, फिर उसे समय का भी बोध नहीं रहता, फिर उसे कोई बोध शेष नहीं रहता, वो केवल वो और उसकी क्रिएटिविटी, उसका जो कर्म है वो एकाकार हो जाते हैं। तो वो मंत्र में हेश्वर का स्तर होता है। और सातवां स्तर जो कि सामान्य रूप से नहीं उपलब्ध होता, और मैं भी नहीं जानता इस विषय में कि मैं कोई आपके सामने उदाहरण दे सकूं, वो है शिव प्रमाता। तो शिव प्रमाता की स्थिति जो होती है वो आप सभी जानते हैं कि वो यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है, केवल अहम कि और कुछ दूसरा है ही नहीं शेष, वो स्थिति कलाकार की हो सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता उसके विषय में, मैं कोई निश्चित नहीं हूं क्योंकि मेरे सामने कोई उस तरह का उदाहरण अभी विद्यमान नहीं है। लेकिन हाँ, यहां तक आप देख सकते हैं कि पहली स्थिति से लेकर के छठी स्थिति तक आप बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा। तो चलिए अंतिम स्लाइड की ओर अग्रसर होते हैं। ये मैंने एक मूल्यांकन पद्धति बनाई है कि कोई भी कलाकार यदि अपने अपना मूल्यांकन करना चाहता है या अपनी कला का मूल्यांकन करना चाहता है तो वो कैसे इस योग और काश्मीर शैव दर्शन के आधार पर करेगा। तो आप ये देखें कि ये बिल्कुल सेंटर में आप जो है वो क्या है, आपका होना या आपकी कलाकृति का होना, आप दोनों रख सकते हैं, दोनों में से एक रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। अब जो मैंने अभी तक आपके साथ साझा किया है, जितनी भी चर्चा आपके साथ की है, उसमें आपके साथ मैंने माया कला यानी कि जितनी लिमिटेशंस हैं, ये 6 लिमिटेशंस हैं नियति तक, उसके बाद ये चित्त भूमिया है, क्षिप्त मूड विक्षिप्त आदि, और ये 3 कर्म हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की। अब इसमें कोई भी कलाकार अपना मूल्यांकन कर सकता है कि यहाँ पर कहीं पर भी 1 to 16 के स्केल पे, ये स्केल दिया हुआ है नीचे, ये आप देखिए, इस स्केल पर 1 से 16 के स्केल पे कोई भी व्यक्ति अपने आप को मूल्यांकित कर सकता है एट रैंडम। बिल्कुल आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि वो 1 से 10 पे ले आए, 1 से 9 पे ले आए, 1 से 5 पे ले आए, जहां उसका दिल करता है वहां वो डॉट लगा दे। इसी तरह अपनी लिमिटेशन को समझते हुए जितना वो मानता है 1 to 5, 1 to 6, 1 to 10 कुछ भी डॉट लगा सकता है। इसी तरह लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, लिमिटेशन ऑफ टाइम, इन सब चीजों के ऊपर वो डॉट लगा दे, और उसके बाद उन सभी डॉट्स को जब आप मिला देते हैं तो आपके सामने आपके अपने क्रिएटिविटी का, आपके अपने माइंड का एक असेसमेंट आ जाता है, यानी कि आपका माइंड या आपकी कलाकृति जो है वो कितनी विकसित है, वो अंदर का जितना भाग है वो आपका विकास है। और जो योग और काश्मीर शैव दर्शन है वो आपकी सहायता क्या करेगा, ये इस लाइन के बाहर का जितना भी भाग है उसको विकसित करने में वो आपकी सहायता करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। 1 to 16 मैंने क्यों कहा, क्योंकि 1 to 16 इसलिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं जो स्केल है, क्योंकि 16 कला संपूर्ण हम स्वीकार करते हैं कि जो भी पूर्णता है, पूर्णता का अर्थ 16 कला है, जबकि ये सोशल साइंसेस या बाकी जगह जो है 1 to 5, 1 to 3, 1 to 10 या 1 to 7 ही चलते हैं, और उसके पीछे कभी मुझे कोई रैशनल समझ में नहीं आया, लेकिन इसका रैशनल जो है आपकी परंपरा देती है 1 to 16 जो है वो 16 कला संपूर्ण है। तो वो पूर्णता के भाव को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको योग दर्शन और काश्मीर शैव दर्शन की सहायता लेनी पड़ेगी, जिससे कि कलाकार और अधिक अपनी चेतना का विस्तार कर सकता है और अपने कार्य में सूक्ष्मता ला सकता है। तो कुल मिलाकर के ये मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था कि ये एक पृष्ठभूमि को आप ध्यान में रखें, और इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुरेंद्र जी शंकर जी को कि वो हमारे साथ चर्चा आरंभ करें। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बात की कि मैंने उनसे निवेदन किया था कि बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी लेवल से हमारे साथ बात शुरू करें और फिर धीरे धीरे वो आगे उस सारी बात का विस्तार करें, क्योंकि चित्र तो हम सभी देखते हैं लेकिन चित्र की प्रशंसा करने वाली बात क्या होती है, उसकी ज्योमेट्रिक क्या होती है, उसके भाव क्या होते हैं, उसका कर्म क्या होता है, वो सारी बातें वो हमारे साथ धीरे धीरे स्टेप बाय लगभग अगले 35-40 मिनट में वो हमारे साथ साझा करेंगे। तो सर आप अपने स्क्रीन शेयर कर लीजिए मेरे साथ, मैं अपनी स्क्रीन हटा रहा हूँ।
आशुतोष जी देख पा रहे हैं आप सब मेरी वॉइस इज लाउड एंड क्लियर राइट? जी जी सबको नमस्कार। तो एक बार और मेरा नाम सुरेंद्र शंकर आनंदा और इसमें हम जो आशुतोष जी ने इंट्रोडक्शन दी उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनफैक्ट वो इतनी डीप और इतनी कंडेंस्ड है मेरा ख्याल मुझे उनके साथ एक बार बैठ के दोबारा उस पर विचार करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा उन्होंने मेथड बताया कैसे एवेल्युएट किया जाए एक को। तो हमारे जो टॉपिक्स हम उसमें देखेंगे 10 मिनट पहले तो इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ माइंड ऑफ ए विजुअल आर्टिस्ट, हमारा माइंड कैसे काम करता है उसके पीछे एक आर्टवर्क को क्रिएट करने के लिए, और उस आर्टवर्क को जब क्रिएट करते हैं उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल एबिलिटी और स्किल्स होती हैं जिसको कि हम फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट कहते हैं। हम इतनी डिटेल आइडिया हो जाएगा भाई एक जो आर्टिस्ट है वो कैसे देख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे थोड़े से आर्टवर्क हैं उनके पीछे स्टोरीज क्या हैं, और फिर फाइनल जिस पे कि हम आना चाहते हैं जो एक आर्टवर्क है मेरा समाधि, उसको हम देखेंगे भी योग दर्शन से और ये शैव दर्शन से कैसे हमने लिंक किया हुआ है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। बर्थ 1963 में हुआ था, उस टाइम टीवी होता था। आई वाज 3 इयर्स ओल्ड, आई यूज्ड टू ड्रॉ विद द मेडिसिंस ऑन द सीमेंट। तो उस टाइम पे मुझे याद है एनल्जीन एक होती थी जो सिर दर्द की एक मेडिसिन होती थी, और जेलोसिल तब भी मिलती थी। तो पिंक एंड वाइट कलर वो मेरे होते थे और जो सीमेंटेड फर्श होता था उस पे ड्रॉ करता था। तो मेरे दोनों पेरेंट्स जो थे वो जॉब करते थे तो मैं घर में अकेला होता था, मेरा कोई अच्छा कट रही है जी शंकर जी आपकी आवाज कट रही है, बाकियों को भी कट रही है सर? शंकर जी आवाज कट रही है आपकी, हमारे तरफ तो ठीक आ रही है जनाब सुरेंद्र जी। हाँ जी हाँ। तो फिर मेरा तो एक्चुअली इंटरनेट सर 100 Mbps है तो इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए। एक मिनट शंकर जी आप आवाज आ रही है सर आशुतोष जी? हाँ अब आ रही है, अब क्लियर अब सुनाई दे रही है? ठीक ठीक हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर। तो कहाँ जी? तो मैं ये कह रहा था मेरा आई वाज द ओनली चाइल्ड अपने पेरेंट्स का, तो मैं अकेला होता था एंड मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था, तो प्लस कुछ एबिलिटीज एंड स्किल्स मेरे में शायद होंगी उस टाइम पे बचपन में 3 इयर्स जब मैं 3 साल का था। तो आई यूज टू ड्रा ऑन द सीमेंटेड फ्लोर यूजिंग द मेडिसिंस, ये मेरे डैड बताते हैं मुझे। तो फिर वो चलता रहा, उसमें अपनी अपनी स्किल्स जो थी मैं एक्वायर करता रहा, लोग अप्रिशिएट करते थे, थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाता है तो फिर और क्रिएट करता था आर्ट। तो अब भी मेरे पास पुराने मेरे आर्टवर्क हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, बट उससे ये पता लगता है उसमें इंटरेस्ट बहुत था मेरा। और फिर 2000 एंड ऑनवर्ड थोड़ा सा मेरा स्पिरिचुअलिटी में इंक्लिनेशन हुई, उससे पहले भी स्पिरिचुअलिटी में इंक्लिनेशन थी बट वो इट वाज मोर बेस्ड ऑन ग्रीड एंड फियर, जो हम मंदिर जाते हैं और डर डर के कुछ करते हैं काम वो था। तो 2000 के बाद मेरे जो गाइड थे उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की और मैं योग दर्शन में हमने काफ़ी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की। तो उसके बाद जो योग दर्शन जो मुझे समझ आया वो मैं आपको क्विक ओवरव्यू देता हूँ कि ये मेरी फाइनल जो प्रेजेंटेशन का फाइनल पार्ट है उससे ये लिंक होगा। तो वैसे सबको पता ही होगा बट फिर भी हम एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं क्विकली। तो हमारे जो योग दर्शन है ड्यूलिस्टिक है, एक उसमें चेतन तत्व है एक उसमें जड़ तत्व है। चेतन तत्व जो है फर्दर आगे आप उसको डिवाइड करते हैं जिसको पुरुष विशेष कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और दूसरा जो है वो पुरुष है जो लिमिटेड एंटिटी है अल्पज्य और एक देशीय जिसको कहा जाता है, और दूसरी तरफ प्रकृति जो जड़ तत्व है वो प्रकृति है। अब उसमें जो एज पर योग दर्शन जो इशू आता है पुरुष जो है वो प्रकृति से अविवेक पूर्ण जो संयोग उसका हो जाता है इमल्शन बन जाता है जिसको कि हम विद्या कहते हैं और शैव दर्शन में कंचुक कहते हैं, वो क्रिएट हो जाता है जिसको जीव कहते हैं आई थिंक वेदांत में।
और विद्या को हम डिफाइन करेंगे, विद्या क्या होती है, बट जो प्रकृति के हैं वो 24 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये भी उस आर्टवर्क में कहीं पर डिस्प्ले किया गया है। और विद्या के जो पांच हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा, क्लेश जिसको कहते हैं, ये इससे वो इमल्शन बन जाता है पुरुष का और विद्या का। तो अगर उसको हम जो लिब्रेशन होती है जिसको कैवल्य कहते हैं योग दर्शन में, उसमें अभ्यास करते हैं हम, जो उसके 8 लिम्स होते हैं, और जो उसके बाद उसका परवराग्य होता है, परवराग्य से हमें विवेक ख्याति आती है। विवेक ख्याति मीन्स स्प्लिट बिटवीन पुरुषा एंड अविद्या जो है। तो समरी अगर बनाए तो वो ये बनेगी, पुरुषा एंड प्रकृति जो है वो आपस में अविवेकपूर्ण संयोग हो गया उसका। तो योग दर्शन में मुझे एक सूत्र याद आता है, जो मैं जब क्रिएट करता हूँ पेंटिंग, तो वो काफी एप्लीकेबल है उस पर। तो तदैव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो तब वह ध्यान ही केवल उस वस्तु के अर्थ का आभास मात्र, जो सिर्फ हमारा सब्जेक्ट होता है उसी पे हमारी कंसंट्रेशन फोकस 100% उस पे हो जाती है, और जो मेरा जो स्वरूप है, जो मैं हूँ, वो उसमें विलीन हो जाता है, शून्य जैसा हो जाता है। तो उसको समाधि कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, ऑन ए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सॉरी। तो जब हम कर रहे होते हैं पेंटिंग, तो मैं ये देखता हूँ, जैसे आशुतोष जी ने बताया चित्त की भूमि जो है, मैं एकाग्र चित्त पे होता हूँ, जो कि फाइनली आगे हमें लेके जाता है संप्रज्ञात समाधि में, जिसमें कि मैं टाइम स्पेस एंड यूनिट से बियॉन्ड चला जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो 8 आवर्स मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या कोई हो रहा है, कुछ बोल रहा है, या मुझे कोई खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो जब उससे बाहर आते हैं तो हमें पता लगता है भी अब ये टाइम इतना हो गया। तो ये एक छोटी सी कोट मैंने लिखी है, जो मुझे, मैं कोशिश करता रहता हूँ भी मैं ये क्या हो रहा है सारा कैनवस पे। तो क्रिएटिविटी इज ए पैराडॉक्सिकल प्ले, द डायनेमिक डांस ऑफ कलर, शक्ति जिसको शैव दर्शन में शक्ति कहते हैं, यूनाइटेड विद द कैनवस शिवा, जो सबस्ट्रेटम है हमारा, वेयर द क्रिएटर शिवा द कैनवस लूजेस इटसेल्फ इन द क्रिएशन शक्ति and transforms unity into diversity and diversity into unity, and interestingly that too without creating any division. तो मुझे ऐसा कुछ लगता भी उस टाइम पे हो रहा है ये। तो ये मैंने थोड़ा सा एक कोट सी बनाई अपनी तरफ से। एक और चीज मैं नोट करता हूँ, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और बड़े लोग भी आते हैं सीखने के लिए। तो उसमें जो बच्चे होते हैं उनमें innate abilities होती हैं drawing and painting की। तो आपने देखा होगा बच्चे हमेशा दे लव टू ड्रॉ, स्केच, पेंट, कलर से खेलते हैं वो। तो ये इनेट एबिलिटीज हमारे में शायद होती हैं हर किसी में, मोस्ट ऑफ द किड्स में। बट उसमें उसके बाद क्या होता है, वो एनवायरनमेंट उससे वापस उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता उस बच्चे को, तो वो उसमें अपनी डेवलपमेंट आगे कर नहीं पाता। तो उसके पीछे मैं स्टडी कर रहा था भी क्यों ऐसा होता है, बच्चा जो है वो पेंट्स और डांस इनको क्यों लाइक करता है। तो उसमें कुछ हमें आंसर ये मिले भी, पीनियल ग्लैंड जो है वो ये सारी फाइन आर्ट एक्टिविटीज़ को, कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, और उसमें विजुअल आर्ट भी एक है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा चल नहीं सकता, तो वो उसके लिए कलर्स एंड ये बैठ के करने वाली चीज़, ये उसमें उसका इंटरेस्ट इनकलकेट हो जाता है। सो ये जो पीनियल ग्लैंड जो है ये 14 ईयर्स तक शायद एक्टिव रहता था या पीछे आ गया वो, बट आफ्टर दैट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल ले लेता है आफ्टर 14 ईयर्स। उससे क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें हम ज़्यादा एनग्रॉस हो जाते हैं। तो उसको होने से हमारा जो ये पीनियल ग्लैंड है ये कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ये वीक हो जाता है, कुछ एनवायरनमेंट हमारा ऐसे होता है हम नहीं उसको पीनियल ग्लैंड को रख पाते एक्टिव। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये इसकी वजह से बच्चे जो हैं अपनी एबिलिटीज जो हैं वो लूज कर जाते हैं। और कुछ एनवायरनमेंट और पेरेंट्स का भी हाथ होता है, वो एक कोट भी है अभी उनके हाथ में, वो कलर्स वापस ले लिए जाते हैं उनको, एलजेब्रा और ये किताबें वगैरह दे दी जाती हैं जो उनके इंटरेस्ट की नहीं है, तो वो फिर एक्वायर्ड इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होता है जो कि सहज नहीं।
मेरे पास लोग आते हैं तो वो कहते हैं भी हमें ड्राइंग नहीं आती, पेंटिंग नहीं आती, उसमें लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं और बड़े लोग भी हैं। बट मुझे ये हैरानी होती है, अगर आप ए बी सी डी लिख सकते हैं वो भी एक तरह से 2D आर्ट ही है, तो हम उनको यही बताते हैं भी अगर आप ए बी सी डी लिख सकते हो यू आर ऑलरेडी एक अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट हो, इतनी सारी आप बना लेते हैं क ख ग या जो भी ए बी सी डी। तो और लेडीज जो होती हैं स्पेशली वो मेकअप जो करती हैं तो वो पेंटिंग ही होती है और बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। तो जो विजुअल आर्ट है यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इसकी रिटेंशन बड़ी हाई है एज कम्पेयर टू ऑडिटरी और जो दूसरी होती हैं टेक्स्ट जो होता है लिखना, तो इसलिए ये यूनिवर्सल है और ये एजुकेशन में बहुत काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज होता है, एंगेजिंग हो जाती है आपकी, इंटरेस्टिंग हो जाती है एजुकेशन जो है। ऐसे कई फील्ड्स हैं जहाँ पर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जो डिज़ाइन हमारा बनाते हैं किसी भी चीज़ को, आप फ़ोन को अगर आप हैंडल कर रहे हैं या अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं तो वो किसी आर्टिस्ट ने उसकी एस्थेटिक लुक्स पे काम किया हुआ है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। और उसके बाद एनवायरनमेंट एनहांसमेंट होती है, जैसे हम कहते हैं चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, वो इसीलिए है क्योंकि वह एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, उस वजह से एक मेजर फैक्टर है ये। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह जो है वो भी आती है, क्लीन एनवायरनमेंट। और ये कल्चर एनरिचमेंट एंड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होता है आर्ट। सोशल चेंज एंड एक्टिविज्म, ये अगर आप पुरानी हिस्ट्री और आर्ट को दोनों को लिंक करें तो आपको पता लगेगा बहुत सारी आर्ट ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया है इन द रेवोल्यूशंस। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, बहुत सारे कुछ लोग आते हैं हमारे पास जो जिनको थ्रेप्टिक डॉक्टर्स ने कहा होता है अभी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें कि आपके फील गुड हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट हों और आप अच्छा फील करो, तो साइकोलॉजिकली ये इमोशनली हमें सपोर्ट करता है। और कम्युनिटी बिल्डिंग एंड सोशल, ये तो है ही है, हम कोलैबोरेटिव आर्टवर्क क्रिएट करते हैं और हमारी जो पुरानी संस्कृति हैं जब उसको एग्ज्यूम करते हैं, खोदा जाता है, उसमें से आर्टवर्क जो निकलते हैं वो एक तरह से वही हमें बताते हैं वो कैसी थी वो सोसाइटी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी कभी पास्ट में। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, मैं कुछ दे रहा हूँ आपको। एक मेरे पास कोई लेडी आई, वो कहने लगी एक्चुअली जो हम पेंटिंग करते हैं एक तो होता है रेफरेंस से, मैंने देखा और उसको रेप्लिकेट कर लिया तो वो एक तरह का आर्ट हो गया, एक होता है मैंने देखा उसको मेमोरी में रिटेन किया और इमेजिनेशन से उसको एक कुछ उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाल दिए। तो वो कह रही थी मुझे इमेजिनेशन तो बड़ी डिफिकल्ट लगती है, इमेजिनेशन मुझे नहीं करनी, मुझे रेप्लिकेशन करनी है। तो रेप्लिकेशन को हम ट्रू आर्ट नहीं कहते, अनटिल अनलेस इमेजिनेशन एंड मेमोरी ना इन्वॉल्व हो तो वो ट्रू आर्ट उसको नहीं कहा जा सकता। तो जस्ट एन एग्जांपल, ये आप देखिए मिकी माउस एक इमेजिनरी करेक्टर है और जिसने 8,30,000 crore का अभी तक रेवेन्यू किया हुआ है, USA में है। तो ऐसे ही जो मोनालिसा की पेंटिंग है उसने इतने करोड़ का रफली रेवेन्यू जनरेट किया है। तो एक जस्ट एक इमेजिनेशन, एक थॉट जो था उसने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम फंक्शनिंग माइंड पे आते हैं, तो हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो की स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे आशुतोष जी ने वो आई थिंक 7 steps बताए, और उसमें विजुअल परसेप्शन ऑब्जर्वेशन जो है इसको एक्यूट विजुअल परसेप्शन हम कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें जो हम जो जिसको कि हमने बनाना है, ड्रॉ करना है या उसको पेंट करना है, उसको हम एक स्पेशल आई से देखते हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, एज इट इज़ नहीं बनाते। जो जैसे उसमें मेरे पास सामने सीन है तो मुझे लगता है बहुत क्लटरिंग है, लोग बहुत ज़्यादा है, तो मैं उन चीज़ों को हटाऊंगा, उनकी जो कंपोजिशन है वो मैं चेंज करूंगा, उनको कहाँ कहाँ मुझे प्लेस करना है और मेरी स्टोरी क्या है, ये सारी चीज़ें मेरी होती हैं जो उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर इम्पोज की जाती हैं, सुपर इम्पोज की जाती हैं। और उसके बाद जो है फिर हम मीडियम यूज़ करते हैं, कैनवस यूज़ करते हैं और उसको एक्चुअली पेपर पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेटा परसेप्शन तक वो मेरे माइंड में ही है सब कुछ, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी। तो इसका मैंने छोटा सा नोट लिख दिया, अगर बाद में आप प्रेजेंटेशन में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो मैं स्पेशल आई की बात कर रहा था, जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं उसमें, एक तो कंपोजिशन होती है भाई, आपने जो चीज़ें प्लेस की हैं उनकी बेस्ट प्लेसमेंट क्या हो सकती है, उसको कंपोजिशन कहते हैं हम।
वो आगे भी मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड है डिजाइन प्रिंसिपल। अब जो मैं जो भी मैं सीन आपके सामने रख रहा हूँ उसके पीछे एक स्टोरी होगी जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। तो मेरे को जो ऑडियंस की जो आई मूवमेंट है और कहाँ वो फोकस करें कहाँ फोकस कम करें वो सारा जो है वो डिजाइन प्रिंसिपल्स के थ्रू हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद उसको क्रिएट करने के लिए या उस सीन को समझने के लिए विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली माइंड जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है इन शेप्स फॉर्म्स लाइंस एंड फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है ऑन द कैनवस यूजिंग द सेम ये वाले जो टूल्स हैं एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट। ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। फिर उसमें मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब कुछ हमारे पास कोई ऐसे स्केल नहीं है तो हमारी आई इतनी ट्रेन हो जाती है हम उसका एंगल कितना डिस्टेंस है कैसे करना है वो सारा हम मेंटल लेवल पे हम उसको बहुत अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। इसकी भी कई इसमें टेक्निक्स हैं। फिर है सब्जेक्ट नॉलेज। तो जो हम बना रहे हैं उसका मेरे पास नॉलेज होना प्रीवियस नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेरे पास होगा तो मैं और भी ज़्यादा उसको अच्छी तरह से आगे प्रेजेंट कर पाऊँगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर मेथोडोलॉजी होती है इन सब को इन फाइव एलिमेंट्स को कंपोजिशन डिज़ाइन प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट मेजरमेंट एंड सब्जेक्ट नॉलेज इनको हम सबको कैसे इंटेग्रेट करें तो वो मेथोडोलॉजी में आता है। मेथोडोलॉजी मीन्स मेथड है एक स्टेप्स हैं पहले ये करो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करेंगे तो वो आपका आर्टवर्क में रिस्क कम होगा और आप क्विकली अच्छी तरह से बना पाएंगे। ये हम फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट होते हैं जो मेरी गॉगल्स हैं जो मेरे पास लेंस है या जो मेरे पास स्पेशल आई है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें कंपोजिशन में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ एस्थेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। डिजाइन प्रिंसिपल में कन्वे द स्टोरी बिहाइंड द आर्टवर्क वो कैसे मुझे करना है वो हम इसका एक्चुअल एग्जांपल भी देखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट में दो तरह के एलिमेंट होते हैं एक 2D एक 3D। जो हम लैंग्वेज लिखते हैं ABCD या काखागा वो 2D ड्राइंग होती है विद लाइंस एंड शेप्स के थ्रू बनती है। जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं दिस वन द डॉट लाइन एंड द शेप इसको 2D ड्राइंग इससे बनती है हमारी फर्स्ट लेवल का जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। स्पेस का कुछ पार्ट 2D में आता है कुछ 3D में आता है। तो इसमें एटमोसफियर और प्रस्पेक्टिव जैसे आप ट्रेन देख रहे हैं तो ट्रेन पीछे से छोटी होती है आगे से बड़ी होती है तो वो उसको प्रस्पेक्टिव कहा जाता है। एटमोसफेरिक प्रस्पेक्टिव है अगर आपके हिल्स बहुत दूर हैं तो वो डीसेचुरेट हो जाते हैं उसमें हेजी सा आ जाता है प्योरनेस खत्म हो जाती है कलर में। फिर उसके बाद हम फॉर्म्स देखते हैं जब उसको 3D में अब कन्वर्ट करते हैं तो हम ये बेसिक ये तीन चार चीज़ें हैं क्यूब स्फीयर कोन एंड सिलेंडर और इनकी कम्प्लेक्स फॉर्म्स इनको हम सामने उसमें सुपर इम्पोज करके देखते हैं भी ये कौन सी फॉर्म यहाँ फिट हो रही है। फिर उसके बाद हम कलरिंग पे जब आते हैं तो या तो वैल्यू होगी मीन सेम कलर होगा लाइक ब्लैक एंड वाइट और जो भी है वो हम वैल्यूज डिसाइड की जाती हैं। फिर उसके बाद कलर्स डिसाइड किए जाते हैं भी कलर्स उसमें क्या यूज होने चाहिए। फाइनली द लास्ट जो विजुअल लेयर है उसकी वो है सरफेस क्वालिटी जो है वो है टेक्स्चर कहते हैं उसको। तो ये 7 एलिमेंट्स हैं जो हमारे माइंड में होते हैं और हम जब भी कोई सीन देख रहे हैं उनको इन 7 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करके देखते हैं। और मेजरमेंट में रिलेटिव एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट आ जाती हैं। जैसे एक हाउस है उसका एक डोर है तो मेरा जो फिगर होगा ह्यूमन फिगर वो डोर से बड़ा नहीं हो सकता तो रिलेटिव एंड स्टैंडर्ड दोनों होगी। सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो हम आगे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। और मेथडोलॉजी में पहले हम प्लानिंग करते हैं फिर ड्रॉ करते हैं फिर रेंडर करते हैं रेंडर मीन शेड एंड कलर फिर उसको इम्प्रूव करते हैं ये साइकिल हमारा चलता रहता है। हमारा जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो हमें या तो लाइव हम सामने देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन तो ये लाइव है और जब हम उसको रिटेन करते हैं मेमोरी में तो वो हम मेमोरी से भी उसको निकाल के ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद इमेजिनेशन है तो इमेजिनेशन जो है वो मेमोरी के ऊपर प्ले करती है। तो पहला है अगर आपने पिक्चर क्लिक की वो भी एक तरह से लाइव ही है क्योंकि वो स्टैटिक है बट तो पिक्चर लाइव मेमोरी एंड इमेजिनेशन। तो मेमोरी में जब हम जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो जैसे हमारे योग दर्शन में अभ्यास और वैराग्य है अभ्यास जो है इसमें अभ्यास बड़ा मेजर रोल प्ले करता है।
तो उसमें हमारी एक फॉरगेटिंग कर्व होती है, तो आफ्टर 20 मिनट्स हम सिर्फ 58% ही रिटेन कर पाते हैं। तो ऐसे अगर आप देखें तो कर्व नीचे आ जाती है, तो दैट मीन्स विद इन 20 मिनट्स आपको रिपीट करना है, फिर विद इन 1 आवर आपने रिपीट करना है, तो आपकी मेमोरी में वो एचिंग हो जाती है, एम्बेड हो जाता है जो हम करवा रहे हैं। और मेमोरी के दो इशू हैं, एक तो क्विकली फेड हो जाती है और दूसरी वो फजी होती है। फजी इन द सेंस अगर मैं कहूँ आप अपने कोई फ्रेंड को रिकॉल करें मेमोरी में, तो उसका फजी सा चेहरा आपके सामने आएगा, जिसे हम योग दर्शन में सामान्य और विशेष नाम से भी यूज करते हैं ये वर्ड्स। तो उसके लिए ये टेक्निक्स हैं जो हमारे आर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमारी इनेट एबिलिटीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को शुरू में एनवायरनमेंट ऐसे मिला और या पीछे से संस्कार ऐसे होंगे, तो तीन चीजें होती हैं टैलेंट में, एक तो एप्टीट्यूड होता है, एबिलिटीज होती हैं, और उसके बाद स्किल्स होती हैं। तो जो एप्टीट्यूड है वो थोड़ा हार्ड होता है, अगर आप यहाँ देखें इसमें मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है क्या होता है, तो एप्टीट्यूड थोड़ा हार्डेस्ट टू डेवलप होता है, और एबिलिटीज जो हैं टेक टाइम टू डेवलप, एंड जो स्किल्स हैं इजीएस्ट टू लर्न, ये आप किसी भी एक्सपर्ट से सीख सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं। बट लेट्स से एक बच्चा है वो उसको बैठने का है नहीं, मतलब बैठ नहीं सकता वो ज़्यादा देर, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता, तो वो आर्ट के लिए वो नहीं बना हुआ। तो मेरे पास एक मदर आती थी अम्बाला से, वो अपने बच्चे को करवाना चाहती थी, तो वो बच्चा जो था आफ्टर एवरी 5 मिनट्स वो कहता मैं थक गया, तो वो पेंसिल को जैसे क्रिकेटर्स उछालते हैं बॉल को वैसे उछालता था। तो मुझे ये पता था भी इसको अगर गेम में डाला जाए तो ये ज़्यादा अच्छा, इसकी एबिलिटीज और एप्टीट्यूड जो है वहाँ ज़्यादा फिट होगा। तो एनीवे आगे चलते हैं, तुम्हारे पास टाइम कम है। ये मैं थोड़ा सा विजुअली आपको जो अभी हमने किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लाइंस एंड 2D जो शेप्स हैं, ये वाला जो है ये लाइन है और आपका ट्राइंगल है, सर्कल है और स्क्वायर है, यही वाली होती है बेसिक जो हमारा ग्रामर है आर्ट की 2D चीज़ों के लिए। एंड देन आफ्टर उसको जब 3D में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये चार चीज़ें यूज़ करते हैं, जितनी भी आप विजुलाइज करते हैं बनाने की कोशिश करते हैं, और ये कम्प्लेक्स फॉर्म आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर को अगर आप राउंड कर दो तो ये बन जाएगा। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप अपने देखेंगे लेफ्ट राइट, वो सारी इन्हीं की कम्बिनेशन से बने हुए हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है फॉर्म्स को या इन दोनों को जोड़ के बनाया हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें साइड में मैंने लिया, जैसे ये मेरा जब मैं इस सीन को देख रहा हूँ जो नीचे है आपका शेडेड, जो एक बिल्डिंग है और एक वाटर टैंक है शायद और दो ट्रीज हैं, तो इसको जब मैं फर्स्ट लेवल पे मैं देखता हूँ तो मैं उनको इन में डिवाइड करता हूँ, इसमें ट्रायंगल क्या है, स्क्वायर क्या है और जो भी है, इन चीज़ों में सिंपल लाइन वर्क में डिवाइड करता हूँ, जिसे 2D ड्राइंग कहते हैं। एंड देन फाइनली उसको हम ये वाले जो हैं यूज करके 3D फॉर्म्स यूज करके उसको 3D फॉर्म में लेके आते हैं विद लाइट एंड शेडो इफेक्ट। लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ टॉप लेफ्ट से आ रही है, तो ये वाला प्लेन डार्क हो जाएगा, ये वाला डार्क हो जाएगा, ऐसे हम उसको देखते हैं। और फिर इन दोनों को कम्बिनेशन से हम ये वाला जो आपका आर्टवर्क है जो नीचे देख रहे हैं ये बनाया जाता है। तो कंपोजिशन एंड ड्राइंग प्रिंसिपल हैं कुछ, जो जैसे अगर आपने अपना कैमरा सेलफोन में कैमरा देखेंगे तो उसको आप देखेंगे ऐसे एक ग्रिड आती है आपके सामने, तो इसलिए आती है भाई ये वाला जो है आपका ये वाला पॉइंट, इस पे 41% फोकस बाय डिफॉल्ट ऑडियंस का जाता है। अब क्यों जाता है वो मुझे नहीं पता, और उसके बाद लोग कुछ यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ यहाँ होना चाहिए, थर्ड ये वाला कॉर्नर है और फोर्थ ये कॉर्नर है। तो इनमें जो जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो सबसे पहला यही हम ग्रिड को लेके आगे बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेरे स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन की हुई है, सारे इसमें ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे, उनको अरेंजमेंट किया गया है। तो पहले तो ये वाला जो लाइंस हैं वो ड्रॉ की गई, अब हमें पता लग गया ये वाला एक मेन पॉइंट है जहाँ हमें बनाना है, तो इसमें सेंटर पॉइंट जो है एक फुटबॉल है वो उसको रखा गया और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर आप व्यूअर की आई लेके जानी है हमें, तो ये अगर आप देखेंगे श्रब्स जो हैं ये दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड द, जो ये किड्स खेल रहे हैं इसकी तरफ कर रही हैं, और ऊपर से जो ट्री है
ये भी क्लेवरली ऐसे प्लेस किया गया, ये भी आपकी आई मूवमेंट को यहाँ लेके जाएगा। जो ये आपका फ्लैग है ये भी नीचे की तरफ आपको लेके आ रहा है, जो क्लाउड्स की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ लेके आ रही हैं, जो बर्ड्स की सीक्वेंस है वो भी इस तरफ आपको लेके आ रही हैं। और अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये भी इसकी इनडायरेक्ट जो विजन है, कैमरा जो क्लिक कर रहा है, तो भी आप वापस यहाँ आएंगे। तो ये सेंट्रल थीम ये वाला है जो राउंड सर्कल में मैंने बनाया हुआ है। ऐसे ही ये जो फेंस है ये भी आपकी विजन को कंट्रोल करता है। यहाँ से जाएंगे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से फिर आप यहाँ चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं कंपोजिशन एंड ड्राइंग प्रिंसिपल। जो प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंपोजिशन है, जो ये डिवाइड किया गया है ये आपका डिजाइन प्रिंसिपल है। डिजाइन प्रिंसिपल है अभी स्टोरी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सब्जेक्ट नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें पहले पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एआई से क्रिएटेड एक मैंने बनाया फेस, और इस फेस को जब हम बनाना चाहते हैं तो हम पहले उसका कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेते हैं, भाई वो कैसे मैं बनाऊंगा, अगर मुझे मेमोरी से बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं। उसमें कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, जैसे जो विड्थ है लिप्स की, वो आपका जो आयरस है उसका इनर पॉइंट जो है उससे अगर आप लाइन लगाए तो उतनी विड्थ होती है हमारी। स्टैंडर्ड फेस का जो है मेजरमेंट, ओरिजिनल फेस देखते हैं उसकी ग्रेडेशन कैसे है। ये अगर आप देखें तो इसमें ग्रेडेशन की हुई है, डार्क टू लाइट ब्रेकडाउन किया हुआ है कलर। उसके प्लेन्स देखते हैं फेस के, लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ें जाएंगी, राइट पे क्या होंगी, अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ये वाले ब्राइट हो जाएंगे पोर्शन, ये वाले ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। उसका स्कल देखते हैं, उसके पीछे मसल्स देखते हैं, ताकि वो अगर डायनेमिक फेस बनाना है, स्माइल कर रहा है अगर कोई तो उसकी आइज छोटी हो जाती हैं। तो आगे उसका ब्लैक एंड वाइट भी हम एनालाइज करते हैं, और उसकी भी पोस्टराइजेशन इसको हम कहते हैं, जब कलर को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं 10 नंबर्स में या 12 नंबर्स में जो भी है। तो इनके कुछ ब्लो अप्स भी मैंने रखे हुए हैं आपके लिए, सो दैट स्क्रीन पे आप अच्छी तरह से देख पाएं। तो ये सारा नॉलेज बेस मेरे पास पहले होना चाहिए अगर मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूं मेमोरी से एंड इमेजिनेशन से। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए एक जो चिन टू लोअर लिप जितनी हमारी हाइट है उतनी ही लोअर लिप टू नोज है। नोज के दो ऊपर आप चले जाएं तो उसके बीच में आईज आ जाती हैं, अगर आप 2.5 ऊपर चले जाएं तो आपका हेयर लाइन आ जाता है। तो ऐसे हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं और बाद में रिकॉल कर सकते हैं। अगर मैं 5x7 ग्रिड बना लूं तो उसमें मैं इसको रिक्रिएट कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। तो जब हम 3D पे आते हैं तो ये कलर को हमने ब्रेक डाउन किया, क्योंकि नॉर्मल आई इतना हमारे को अगर ये अगर हमें मिल जाए पोस्टराइजेशन तो हमारा और भी क्लियर हो जाता है भी कहाँ हमने ब्राइट छोड़ना है, कौन सा कलर कहाँ डालना है। तो ये थोड़ा सा सेक्शन है, क्विकली हम ब्राउज करेंगे, देन उसके बाद लास्ट सेक्शन पे हम आएंगे जो कि हमारा मेन सेक्शन है। तो ये एक स्कल है जो मैंने कॉलेज डेज में मैं बनाता था, अब मैं जब वापस आया तो थोड़ा सा वो म्यूटिलेट हो गया था, तो मैंने उसको रीपेंट किया है। तो 15 नवंबर 2013 में रीपेंट किया है। ये मेरी मेमोरी से क्रिएटेड पेंटिंग है, बट इसमें कम्प्लेक्सिटी ये है भी इसमें जो लाइट्स आ रही हैं वो 4 डिफरेंट साइड से आ रही हैं, तो वो मेमोरी से इमेजिन किया गया है। जैसे ऊपर से रेड आ रही है लाइट, तो आप देखेंगे जो इस तरफ प्लेन्स जो इस तरफ फेस कर रहे हैं वो रेड है, और ऊपर से वाइट लाइट आ रही है, तो इसका जैसे ये वाला थोड़ा जब बल्ज्ड आउट है तो ये वाइट हो जाता है, ये वाइट हो जाता है। और उसके बाद ग्रीन लाइट यहाँ से आ रही है, तो इसकी चीक्स और ये सारा कुछ जो भी है ग्रीन है, और ऑरेंज लाइट जो है वो बॉटम, सॉरी एक मिनट थोड़ा स्टक हो गया हूं मैं। कोई नहीं, वो इजी हैंगअप हो जाता है कई बार। हाँ तो ये उसका ब्लो अप सा मैंने दिखाया, जैसे थंब से मैंने कुछ पेंट किया था ये वाला, कुछ ब्रशेस से किया हुआ है, तो थोड़ा क्लोज अप देखेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया होगा कैसा है। उसके बाद ये फेस मेरे मॉम की आईब्रो, ये एक्चुअली अगर आप देखें ये शायद 83 की बनी हुई है, तो उस टाइम पे हमारे पास पेंसिल्स ब्लैक पेंसिल्स कम होती थी, होती नहीं थी, ग्राफाइट पेंसिल होती थी। तो ये पेंसिल मेरी मॉम की आईब्रो पेंसिल थी,
उससे मैंने ये बनाया. आई थिंक इट टुक मी ऑलमोस्ट 5 hours एट ए स्ट्रेच. तो एक रशियन कोई मैगजीन आती थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, एक तो स्पैन होती थी जो यूएसए से आती थी, एक वो होती, उसमें से ये मैंने रेफरेंस लिया था. लेनिन का है ये, तो ये उसका क्लोजअप है थोड़ा सा. ये कोई अमेरिकन एक्टर था, मार्सिलियस ह्यूस्टन, ये भी 90s की है शायद. हाँ जी 90s की है. तो इस पे मुझे याद है मेरे डैड का ब्लेड होता था, टोपाज ब्लेड, तो उससे मैंने स्क्रैच करके इसकी बियर्ड निकाली थी. तो उसके बाद थोड़ा सा एसिडिक रिएक्शन हो गया तो ये येलो सी हो गई बियर्ड जो है, वो भी एक पार्ट ऑफ द आर्टवर्क बन गया अपने आप ही. ये उसका थोड़ा सा ब्लो अप है, क्लोज अप आप देख पाएंगे. ये पेंसिल, कलर्ड पेंसिल से बनी हुई है, तो इसमें लाइट जो है पीछे से आ रही है ऊपर से. एंड इट टुक मी 1 year टू कम्प्लीट दिस पेंटिंग, बट ऐसा नहीं है मैं 8 घंटे काम करता रहा, जब भी दिल करता था उस पर काम करता था, तो बहुत मज़ा आता था इसमें. ये उसका कुछ क्लोजअप है. ये मेरी ऑनलाइन क्लास का, मेरी क्लासेस चलती हैं बाहर, तो कोई मैं किसी को क्लास ले रहा था तो उसमें ये बना रोज. तो इसमें जो ऊपर आप देख रहे हैं टेक्सचर है जो क्रिएट किया हुआ है, छोटे छोटे डॉट्स हैं, उसकी वेन्स हैं. तो ये इसके क्लोजअप हैं. ये कोई पोर्ट्रेट बनाया था, रेफरेंस पिक्चर थी कुछ. तो इसमें जो ट्रिगर होता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं पेंटिंग तो एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, कोई जिससे हम कहते हैं भी हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो इसमें जो इसके टॉप पे आप देखेंगे हेयर के बीच जो लाइट पीछे से फिल्टर होके आगे आ रही है, तो वो दैट वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ट्रिगर जो था भी हाँ ये करना चाहिए हमें. तो इसका भी मैं क्लोजअप दिखाता हूँ आपको. ये वाला पोर्शन मैं कह रहा था आपको. अब हम फाइनल उस पे आते हैं जो मेरा आर्टवर्क है समाधि. तो उसमें हमने कैसे सारा मिक्स एंड मर्ज किया और क्या मेरा थॉट प्रोसेस था पीछे, कैसे बनाया गया. ये डिजिटल पेंटिंग है इसमें. तो डिजिटल मींस मेरे पास एक स्पेशल डिवाइस है बड़ी सी, उसमें पेन है, तो उसको डिजिटली ड्रॉ किया जाता है यूजिंग ए सॉफ्टवेयर एंड डिजिटली बनाया जाता है. तो इसमें ये पेंटिंग जो है इसका नाम, टाइटल जो है वो समाधि है. एंड इसको हम डिस्कस करेंगे भी ये क्या है और योग दर्शन से कैसे, ये शैविज्म से कैसे हमने इसकी इंस्पिरेशन ली. तो हम काफ़ी कुछ पहले डिस्कस कर रहे हैं, बट फिर भी मैं इस पे मैंने ये लगाए हुए हैं. तो जो इसमें ब्लैक कैनवस है और कैनवस से जो नीचे ये ट्राइडेंट है जो निकला हुआ जो पार्ट है ब्लैक पोर्शन, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया ईश्वरा या पुरुष विशेषा जो कि सबस्ट्रेटम है हमारा. और जो ऊपर अगर आप देखें सेन कलर का जो ब्लू लाइट, ग्रीन ब्लू कलर की जो लाइट है, ये मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ ईश्वरा, या आप उसको शक्ति कह लें और या प्रकृति कह लें. तो ये जो लाइट जो है ये सारा एनवायरनमेंट को इल्यूमिनेट कर रही है, जो आपके स्टार्स हैं, मून है, और ये जो लेडी है जो जो मेडिटेशन कर रही है ये कर रही है. तो ये कंसेप्ट पीछे है, वो है. और इसके लिए हमने ये डिस्कस कर चुके हैं हम अभ्यास वैराग्य विवेक ख्याति से असंप्रजात समाधि की तरफ. ये लेडी जो है फाइनल मूवमेंट जो इसका है वो उस पर हम डिपिक्ट कर रहे हैं, वहां जाने की कोशिश कर रही है, ये जा चुकी, जा रही है या जा चुकी है, जाने वाली है, एंट्रेंस पॉइंट है उसका. और ये जो प्रकृति है जो मैंने कलर दिखाया उसमें, और ये जो लेडी है इसको रिप्रेजेंट किया पुरुष, पुरुषा जो जो ये साधना कर रहा है.
तो किसी भी आर्टवर्क को बनाने के लिए हमें कुछ विजुअल सिंबल तो यूज़ करना ही पड़ेंगे, क्योंकि विजुअल है ये सब कुछ। तो इसमें हमने बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए हैं, फिर उनका आगे डिस्कशन करेंगे क्या उनका मीनिंग है। ये पुष्य नक्षत्र है जो ऊपर आप देख रहे हैं, एंड ये न्यू मून है, और ये जो इलेक्ट्रिक सीएन लाइट है वो कंट्रास्ट टू ब्लैक कैनवस ब्राइटनेस जो रिप्रेजेंट कर रही है। एक बीच दिखाया गया है, इसमें क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं यहाँ पर, कुछ फेडेड हैं पर वो हैं, और ड्रिफ्टिंग क्लाउड हैं जो इस तरफ अंदर की तरफ जा रहे हैं। मेडिटेटिंग गर्ल है, उसमें एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ हमने। टू कलर ट्राइडेंट है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेक्टेटर्स हैं, एक ये वाले हैं जो देख रहे हैं, जो इसके क्लोज हैं, प्रॉक्सिमिटी में हैं, और दूसरे कुछ दूर खड़े हुए हैं पीछे बैकग्राउंड में। और ये कुछ रिफ्लेक्शंस हैं, इन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग है आर्टवर्क में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो थ्री प्रॉन्ग्स जो दिखाए गए हैं कैनवस के, वो शक्ति के जो थ्री क्वालिटीज़ हैं, लाइट, सत्व, रजस, तमस, वो तीनों को रिप्रेजेंट किया गया है। और सेन कलर जो है वो प्रकृति के लिए रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। ब्लैक जो है वो कैनवस का ही एक तरह से पार्ट है, सारा कैनवस जो है, और ब्लैक जो है वो ईश्वर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक और चीज़ है ट्राइडेंट, जो एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द आर्टवर्क प्लेस किया गया, जो रिप्रेजेंट करता है ये सोर्स, सबका ये सोर्स है। इसमें फाइव एलिमेंट्स भी हमने डिपिक्ट किए हैं। एक तो आपके जो स्पेस जो है, वो जो स्काई है उसको आप स्पेस कह सकते हैं। जो जो ये ब्राइटनेस है, जो सेन कलर है, ये आपका फायर रिप्रेजेंटेड बाई सेन लाइट। और ये क्लस्टर ऑफ 24 जो ये स्टार्स हैं, ये 24 एलिमेंट्स ऑफ संख्या के रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्पेक्टेटर्स जो हैं, एयर जो है, जो एयर है वो आप देख रहे हैं क्लाउड ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स गर्ल, तो वो एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बीच पे जो वाटर है, वो वाटर का एलिमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थ है ही है जिसके ऊपर हम दिखा रहे हैं सब कुछ। तो क्वेश्चन ये आता है भी, ये आपने कुछ, जब मैं एग्जीबिशंस में आर्ट लगाता हूँ तो वो लेडी ही क्यों चूज़ की, क्यों आपने मेल क्यों नहीं बैठाया? तो मैंने ये उनको यही कहता हूँ भी, ये जो फेमिनिन जो करेक्टर दिखाया गया है, ये इंट्यूटिव एंड सरेंडर, एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड उसके उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने ये फीमेल करेक्टर इसके बीच रखा हुआ है। अगर आप ये देखें इसमें जो स्काई है, वो जो न्यू, जो सारा जो एनवायरनमेंट हम प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारा इस मेडिटेटिंग गर्ल के लिए उसको हेल्प कर रहा है उसके फाइनल मोमेंट में। तो जो न्यू एस्पिशियस मून है पुष्य नक्षत्र में, वो है एक डॉन ऑफ अवेकनिंग है, जो मॉर्निंग की बिल्कुल होती है स्टार्टिंग पॉइंट। एंड द ड्रिफ्टिंग क्लाउड जो है वो सारे इसकी तरफ आ रहे हैं, एज इफ The whole universe is helping the meditating girl. और उसके अलावा जो reflections का ये meaning है भाई, ये जो ये viewer हैं, जो audience है, ये जो खड़े हुए, ये materialistic उसमें stuck हैं। Whereas जो लड़की की आप देखेंगे, meditating girl की, ये कोई reflection नहीं है, that means इसने internalize कर लिया है, इनकी reflection बाहर आ रही है, तो ये एनग्रॉस्ड हैं अभी प्रकृति में या मटेरियलिज्म कह लो आप। और जो उस तरफ खड़े हुए हैं वो दे आर नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट दिस हैपनिंग जो हो रही है, ये फिर भी उसको देख पा रहे हैं, ताकि इनकी रिफ्लेक्शंस अगर आप देख रहे हैं इसके इस पे पड़ रही है। तो ये मैं बता ही चुका हूं आपको, इनवर्ड वो ड्रॉ कर चुकी है, इसलिए कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो कैवल्या को ये लीड कर रही हैं, संप्रजात समाधि में है, ये डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है इसमें। तो गर्ल को ये भी दिखाया गया है, ये डार्कनेस से जो है, अविद्या से
विवेक ख्याति की तरफ चल रही हैं, आधी ब्लैक है और आधा डार्क है उसमें, और पद्मासन और शून्य मुद्रा में बैठी हुई है ये। अब थोड़ा सा इसका कंपोजिशन देखते हैं, दो स्लाइड्स और हैं मेरे पास। इसकी जो कंपोजिशन आप देखेंगे वो ऐसे डिजाइन की गई है, तो पहले तो वो जो मैंने फोर पॉइंट्स बताए थे 1, 2, 3, 4, उसमें हमने दिखाया इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो जो मेन मेरा स्टोरी का करेक्टर है वो इसके बीच में ऊपर है जहाँ मैक्सिमम अटेंशन लोगों की होती है। सेकंड, इसका जो टोर्सो है वो दिखाया, इधर रिफ्लेक्शंस हैं और ये ऑडियंस जो है वो जो देख रही हैं वो उनकी फेस है उसका। और अगर आप और देखें तो ये डायगनल लाइंस हैं दो, उनको स्टडी करते हैं तो ये डायगनल लाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स हमने अलाइन किए हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र, मून जो गर्ल का फेस है, ट्राइडेंट का सेंटर जो है, और ये रिफ्लेक्शन है जो इनकी। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने उसको मार्क भी किया है। सिमिलरली दूसरी साइड पे अगर आप देखें, टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, तो वहां 24 स्टार्स का क्लस्टर जो है उसको हमने अलाइन किया, और आगे जो ये ऑडियंस है इसका जो फेस है, एंड देन द ट्राइडेंट, ट्राइडेंट के बाद उसका टॉर्सो। तो ऐसे ये सारे ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट की हुई है। लेट्स अगर इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता या इसको ऊपर ले जाते तो उसकी जो सारी सिमेट्री थी, एस्थेटिकली जो ये प्रेजेंट लग रही है, वो शायद उसमें कुछ कमी आ जाती। तो फिर हम जो व्यूअर्स की आई हैं उसको कंट्रोल करते हैं ताकि वो बार बार इस मेन जो फोकस, उसका फोकस एरिया जो हमारा मेन स्टोरी का करेक्टर है उस पे आनी चाहिए। तो वो जो है, जो डायरेक्शन ऑफ द क्लाउड अगर आप देखोगे, जो मजेंटा कलर की लाइन है, वो सारी लड़की की तरफ आ रही हैं। तो इससे सारा जो फोकस है वो शिफ्ट होता है कैनवस के, कहीं भी आप देखो तो यहाँ पर अगर क्लाउड देखोगे तो फाइनली दे विल लीड यू टूवर्ड द गर्ल जो मेडिटेट कर रही है। जो स्पेक्टेटर की गेज है वो भी इनडायरेक्टली लड़की की तरफ देख रही है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो नेचुरली आप यहाँ भी देखोगे फिर उसके बाद जो लड़की को देख रही है। तो जो फेस है वो रूल ऑफ थर्ड जो हमने अभी डिस्कस किया है, जो क्रॉस सेक्शन आता है ऊपर, वहां अलाइन की गई है। और जो कंट्रास्ट है वो इसमें हमने सबसे ज्यादा ब्राइट किया हुआ है सो दैट लोग यहाँ देखें ज्यादा। स्टार्स को थोड़ा और डिम कर दिया है, मून को भी डिम किया हुआ है ये वाला है, और ये कंट्रास्ट को ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर और भी ज्यादा ये स्टैंड आउट कर रहा है। तो इसमें बेसिकली हमने फोर लेयर्स का कंसेप्ट लिया है डेप्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फर्स्ट लेयर में गर्ल एंड ट्राइडेंट है, एंड द सेकंड लेयर में अगर आप देखें तो ये लेयर आ जाती है जिसमें ये जो प्रॉक्सिमिटी जिसकी क्लोज है ऑडियंस वो देख रहा है स्पेक्टेटर, एंड देन ये थर्ड लेयर है जहाँ पर ये दूर खड़े हुए हैं लोग, वो थर्ड लेयर है। फोर्थ लेयर जो है वो आपका होराइजन है, मून स्टार। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो स्टार्स थोड़ा सा और पीछे लगेंगे, मून थोड़ा आगे लगेगा। फिफ्थ लेयर जो है हमारी वो कैनवस की है ब्लैक। तो ये कुछ उसका ब्लो अप है, जो गर्ल है टॉर्सो और उसका जो फेस है। तो अब हम जो मेरा ये कंसेप्ट था ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो, आशुतोष जी को मैं दोबारा ये हैंड ओवर करता हूँ। तो क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर और बहुत एनलाइटनिंग। थैंक यू। इस तरह से मैंने नहीं देखा था, लेकिन जैसे जैसे आप बताते गए वही मैं उसके सोच रहा था कि इसको और ज्यादा किस तरह से हम देख सकते हैं योग दर्शन और कश्मीर शैव दर्शन के साथ। और आपने जिस तरह से इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हमारे लिए समझाया है, एक्सप्लेन किया, वो वाकई बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। बाकी हमारी दृष्टि का तो विस्तार वही है। हाँ जी। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और समझ तो बड़ी ही है और कई नए आयाम हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो वाकई बहुत सुंदर, बहुत प्रभावी है। तो मैं चाहूंगा कि ऑडियंस में से अगर कुछ लोग इस सारे विषय के ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहें, प्रश्न करना चाहें,
क्योंकि ये इस तरह से जो है इस विषय को कभी मुझे लगता नहीं कि लिया गया होगा या इस तरह से दोनों सब्जेक्ट्स को मिला करके कश्मीर शैव दर्शन और पेंटिंग को। बातें तो करते हैं हम लोग लेकिन कभी विषयों पे टिप्पणी इस तरह से शायद हमारे सामने नहीं आई है। तो अगर आप में से कोई इस सारे विषय के ऊपर टिप्पणी करना चाहे तो स्वागत है। अरुण जी आप कुछ कहना चाहें? सुभाष जादू जी चलिए वहां से शुरू करते हैं। डॉक्टर सुभाष जी जी सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जहां तक कश्मीर में शिल्पकारी और पेंटिंग है वहां पे हम लोगों ने माता दुर्गा का एक स्वरूप है जो मुझे लगता है हर एक घर में कश्मीर में हर एक घर में मिलता है आपको जी। उसका लोकली नाम हम कहते थे अष्टादश भुजा। इसमें माता की आठ भुजाएं दिखाते हैं विद डिफरेंट कंटेंट्स वेपन्स एंड ब्लेसिंग्स और उसमें जिस तरह से आपने अभी समझा दिया कि जो हम डायगोनल और लेफ्ट सेंटर पॉइंट में अटेंशन डाल के पेंटिंग क्रिएट करते थे जी पता नहीं बहुत हद तक वो फोटोग्राफ जो हम माता का मोस्टली कश्मीरियों के पूजा रूम्स में रहता है उसमें ये जो आपने सारी बातें समझाई हमें मैं तो पूरा वो फोटो देखते देखते कुछ समझ रहा था कि लगता है जैसे किसी ने वो फोटो ही ड्रॉ की है जैसे आपने वो लड़की का फोटोग्राफ बना के दिया है जी ऐसे करके ही कुछ इम्प्रेशंस हैं। मैंने जब आपकी बात सुन ली तो मैंने सोचा मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए क्योंकि अगर आप शैविस्ट थोड़ा सा आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं तो आई डोंट नो मैं अपने फोन में कैमरा ऑन करके रोटेट कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट जी। ये देखिए आप। हाँ जी 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 ये माता अष्टदश भुजा हम जो शक्ति का रूप स्मरण करते हैं जी पीछे इन्होंने ऊपर लेफ्ट टॉप पे हारी पर्वत का सीन थोड़ा कंसोलिडेट किया हुआ है जी। मेजरली ये 18 भुजाओं वाली माता का हम जो शक्ति का एक स्वरूप अपने यहाँ रखते हैं इसको मैंने सोचा आपको मैं बता दूं कि जो आपने बताया ना कि लेफ्ट सेंटर पॉइंट पे आप मेन फोकस रखते हैं मुझे नहीं पता उस जमाने में वो शेर का मुंह उन्होंने क्यों ये सोच करके वहां रखा है जी। और जो राइट साइड में इन्होंने माता के हाथ में जो दिए हुए हैं जी। वो मोस्टली जितने तरह के वेपन्स हो सकते थे उस जमाने में वो सब उन्होंने इन्होंने शेर के ऊपर वाले हाथ में ज्यादा सजा के रखे हैं और जो इनका माता का लेफ्ट साइड है उसमें ज्यादा ब्लेसिंग्स है वेपनरी कम है। तो आई डोंट नो जब आप ये समझा रहे थे कि हम सेंट्रल पॉइंट कहाँ पे लगाते हैं और मेन फोकस कहाँ पे चढ़ाते हैं दिस होल फिगर जो आपने अभी लेडी दिखाई थी जिसका आपने दिखाया था समाधि में बैठी हुई और इसमें भी माता के अगर आप देखेंगे जो त्रिशूल दिखाया है इन्होंने इफ दैट इज विजिबल टू यू। हाँ जी आई कैन सी दैट टॉप राइट पे राइट में। तो मैं हैरान हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एपोस्टल जो आपने क्रिएट किया है वो एग्जैक्टली ये फोटो के साथ कैसे बराबरी में आ जाता। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आई डोंट नो just I thought I will share with you it is an excellent kind of content you have given and I am so grateful to you that if you are visualizing the Shaivist art in this form and so grateful to you thank you I thought I should share with you thank you sir thank you very much and Dr. sir aapki observation bahut sundar hai bahut meaningful hai aur mujhe lagta hai ki is cheez ko hame aur gehrai se dekhna aur samajhna chahiye ki ye jo ancient आर्ट फॉर्म्स हैं
इनका जो एवेल्यूएशन है वो इस ज्योमेट्रिकली और फिलोसफिकली इन दोनों को मिलाकर के हमें जरूर देखना चाहिए, और कोशिश करेंगे कि अगली बार जो है हम फिलोसफी और ज्योमेट्री को आपस में एक साथ लाने का प्रयास करें और देखें कि उसको किस तरह से हम साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह के उनके इंटर रिलेशनशिप को। लेकिन शंकर जी, ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये जितनी भी चित्र हमारे बनते हैं इनका जो बैलेंस है उसको हम कैसे देखते और समझते हैं, और जो उसके पीछे जो आइडियाज आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह ही रहे थे, वो सारा वो लोग कैसे, उन लोगों ने किया होगा, कैसे देखा होगा, इस पे तो ये करना चाहिए। सुभाष जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर आपने एक विषय रखा है, निश्चित रूप से इसको हम दिल लेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर रमेश जी, सर अपने को अनम्यूट कर लें। धन्यवाद आशुतोष जी, मुझे थोड़ा मौका देने का। और सच बताऊं तो मैं अपने को इस योग्य नहीं महसूस करता हूं कि मैं इस कला पर कुछ टीका टिप्पणी करूंगा, बट ये जरूर मैं कहना चाह रहा हूं पहले कि आपने इस कला को जिस ढंग से योग और शैव दर्शन के साथ जोड़ा है वो अद्भुत है। हम ये पढ़ते जरूर रहे हैं बट कला की तरफ इस तरफ जाने का, सोचने का, सच बताऊं तो कभी विचार भी नहीं आया है। चित्र देखे, चित्रों का प्रभाव भी अनुभव किया। बचपन से मैं शायद, क्योंकि मेरे फादर फोटो फ्रेमर थे, तो सभी देवी देवताओं के चित्र भी देखता रहा हूँ। और जिस ढंग से सुरेंद्र शंकर जी ने इस चीज की व्याख्या की है, मैं ये सोचता था कला इंटेग्रेटेड है, हम उसको फ्रेगमेंट में कैसे तोड़ेंगे, बट ये अद्भुत काम भी सुरेंद्र शंकर जी ने बहुत कुशल ढंग से किया है। और खास तौर पे जब मैं अपने को देखता हूँ तो मेरी अपनी मेमोरीज में भी मैं खो गया, और रफली जो डेट्स इन्होंने दिए हैं, ईयर्स इन्होंने दिए हैं, वो मैच करते रहे, क्योंकि मैं चित्र देखता रहता था और हर बच्चे की पेंटिंग में रुचि होती है। तो मैं कभी, मेरे पास शायद अब भी पड़ी होंगी बचपन के हमारे 17-18 साल तक की पेंटिंग्स, तो हाथ से बनाई हुई। ऑफ कोर्स के मैं नाट पर आकर के हमेशा फेल ही हो जाता रहा हूँ, नाट को बनाना सबसे एक चैलेंजिंग काम रहा है। तो मुझे याद आ रहा है कि रफली वो 14-15 साल या 16-17 तक भी मैं पेंटिंग में रुचि रही बनाता रहा, मुझे कोई उसकी समझ नहीं थी, ज्यादातर तो वो रेप्लिकेशन ही होती थी, ओरिजिनल आइडियाज उसको इमेजिनेशन करना बड़ा, मैं सोचता हूँ आज भी सोचता हूँ कठिन है, क्योंकि कहीं विजुअलाइजेशन होता है फिर आप उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बट जैसा इन्होंने बोला कि मेमोरी आपका उतना साथ नहीं देती है, वो बड़ी जल्दी फंसे आउट होने लगते हैं, वेग आइडियाज आपके पास है, ये माइंड में चित्र है लेकिन आप उसको नहीं पा रहे हो, ये एक चीज है। तो ये उम्र के साथ भी कंसाइड करता है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मैं रफली 18-19 वर्ष के आयु में जब मैंने ये बीएससी ऑनर्स एमएससी ऑनर्स मैं फिजिक्स में डूबता चला गया, तो हम एनालिटिक स्किल्स की तरफ ही चले गए। विज्ञान में हमें सिखाया यही जाता रहा है कि जो बड़े सिस्टम को समझना है तो उसको उसके छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, उनको एनालाइज करते रहो, फिर उनके फर्दर पार्ट करते रहो। और मैं प्रोफेशन से भी हाई एनर्जी फिजिसिस्ट हूँ, तो पार्टिकल्स साथ ही हम लोग खेलते हैं अल्टीमेटली जिनसे बना है। तो मुझे कोई एडमिट करने में इसका संदेह नहीं है कि जब हम चीज़ों को तोड़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो उसके समझ लेंगे, बट जो ओवरऑल होलिस्टिक इम्पैक्ट है वो हम कहीं ना कहीं बीच में खो ही देते हैं। तो उस दिशा से मैं कहूँ तो कला और विज्ञान कहीं ना कहीं एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में ले जा रहे हैं माइंड को, और वो शायद पीनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड या लेफ्ट राइट ब्रेन जो बोलते हैं उनका कमाल है। और समाधि की अवस्था में शायद हम दोनों को इंटेग्रेट भी कर रहे हैं वापिस करके, बड़ा सुंदर इन्होंने दिया है। तो कला के माध्यम से कैसे जाते हैं, हाँ इतना जरूर मैं कहूँगा, कला के माध्यम से जहाँ हम समाधि की तरफ पहुंच रहे हैं वो अवस्थाएं हमें किसी भी सब्जेक्ट में अक्सर मिल सकती हैं यदि आप उसमें डूब रहे हो, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो कोई और सब्जेक्ट भी हो। तो जितने महान वैज्ञानिक रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं इसी अवस्थाओं में है। हम आइंस्टाइन के साथ उनके बारे में सुनते रहे हैं कि यदि वो बाथरूम चले गए तो उनकी श्रीमती जी कहते हैं पता नहीं वो कब आएंगे बाहर, इट मे बी वन डे, इट मे बी टू डेज, तो वो अवस्था समाधि की अवस्था ही है। बट अद्भुत, मैं आप दोनों का ही अपना हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उम्मीद है कि इस पर आगे विवेचना हमें और सुनने को मिलेगी। जी धन्यवाद सर।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसी की कोई टिप्पणी या कोई आप में से कोई अपनी बात रखना चाहे? जी डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी। सभी विद्वान जनों को मैं नमन करता हूं और मेरा निवेदन मात्र ये था कि आदरणीय सुरेंद्र जी ने ये बताया कि वो असंप्रजात समाधि में चले जाते हैं, तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि यम नियम का पालन करे बगैर भी क्या समाधि में जाया जा सकता है। दूसरा तो मेरा ये विषय था जो अभी माता दुर्गा जी की तस्वीर दिखाई और बहुत सारे शस्त्र उनके हाथ में हैं, शेर की सवारी कर रहे हैं, त्रिशूल है, इसका प्रतीक शास्त्र से क्या संबंध है, ये मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर मैंने असंप्रजात नहीं कही, शायद गलती से मैंने अगर बोल दिया वर्ड तो गलत है, मैंने संप्रजात समाधि कही थी। तो थोड़ी देर के लिए हमें झलक मिल जाती है अभी वो स्टेट कैसी थी जिसमें टाइम स्पेस और मैं भी नहीं था, मैं भी शून्य जैसा था। तो शायद वो आगे जाके एक तो एकाग्रचित हो गया आपका और बाद में जाके वो काम आती है, एक आपके पास कुछ बेस है जिसको कि आप रिलेट कर सकते हो शास्त्र से। जो आप कह रहे हैं यम नियम आसन वगैरह वो तो देखो प्रैक्टिस से ही आते हैं, बट मैंने ये देखा जो कुछ आर्टिस्ट हैं, जो मतलब ट्रू आर्टिस्ट हैं, उनमें वो चीज़ें बहुत हद तक पहले ही होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। मैंने एक स्लाइड डिटेल में डिस्कस नहीं की, नॉर्मली बच्चों के पास और जो ट्रू आर्टिस्ट हैं जो आफ्टर फेम नहीं है या कमर्शलाइज नहीं कर रहे, इनको बहुत कम लोग हैं, एक दो से मैं मिला हूँ, पर उनका मतलब वो वैसे ही हैं जैसे एक सेंट होता है, वो अपने उसमें मस्त हैं, अपना कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल वो एक लेवल तक तो पहुंच जाएंगे, बट आगे पतंजलि लोग हमें जो बताते हैं यम नियम आसन वगैरह वो तो है ही है, जरूरी होने ही चाहिए। तो ये मेरा व्यू है, बाकी आशुतोष जी मेरा ख्याल कुछ लाइट शेड कर सकते हैं इस पे। नहीं ठीक है आपकी बात, लेकिन जो दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब ने रखा है कि भाई ये दुर्गा की चर्चा उन्होंने की कि ये किस तरह से प्रतीक है, तो डॉक्टर साहब इसका कॉन्टेक्स्ट और उसको अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता लगता है कि भाई किस तरह से एक समाज को समूह में सिंथेसाइज करने की, उसको एकत्रित करने का एक प्रयास रहा है और उस समाज का जो समाज की जो वृत्ति है, लोक वृत्ति जिसे आप कहते हैं, उसका निर्माण करने की वो प्रक्रिया है, वो वस्तुतः अपने आप में नहीं है। ये प्रतीक इस अर्थ में हो जाती है कि लोक की वृत्ति को आप कैसे निर्मित करेंगे, तो लोक की वृत्ति को निर्मित करने के लिए आप इस तरह के प्रतीकों को यूज करते हैं कि भाई ये भी हमने इकट्ठा कर दिया, ये भी इकट्ठा कर दिया, तो अब इस तरह से इसका एक रूप बन गया, अब लोग जो है उस शक्ति उपासना के माध्यम से अपना कार्य करेंगे, वो चाहे अध्यात्म का करें, चाहे वो संसार का करें, चाहे वो जो जो भी अपने क्षेत्र में चुनना चाहते हैं, तो ये इस अर्थ में प्रतीकात्मकता रहती ही है। तो ये मुझे क्या लगता है, जी इतना ही है। डॉक्टर उपाध्याय जी, सर आपकी टिप्पणी, और अगर डॉक्टर रूपिका जी अगर इस पे चर्चा करना चाहें, बात करना चाहें। मेरा तो चित्र के बारे में कोई अध्ययन या ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान को भी चित्रकार कहा गया है, मतलब जैसे अव्यक्त को व्यक्त रूप में हम प्रकट करते हैं तो चित्र हो गया, अव्यक्त हर जगह एक जैसा था, उसमें बहुत सारे वैरायटी बनाई गई, तो उसको कहा गया है चित्राणि साकंग देवी रोचनानि, तो उसमें कल्पना करनी पड़ती है कि कैसे हम उसको व्यक्त करें। जैसे दुर्गा पूजा चंडी पाठ के मूर्ति रहस्य में दिया हुआ है कि दुर्गा के भुजाओं का क्या अर्थ है, 18 तरह की विद्या है इसलिए दुर्गा का 18 हाथ बनाते हैं, या उसका स्त्री रूप क्यों बनाते हैं, तो पुरुष और चेतना को पुरुष मानते हैं और पदार्थ को या क्षेत्र को प्रकृति मानते हैं, तो क्षेत्र रूप में जो ज्ञान है वो हम स्त्री मानते हैं, जैसे एक केश पुल्लिंग है लेकिन जूड़ा चोटी स्त्रीलिंग है, या दाढ़ी पुरुष को होती है लेकिन तब भी वो स्त्रीलिंग है क्योंकि वो केशों का समूह है। तो इस तरह से हम लोगों ने कल्पना की है, और उसमें समाधि का लाभ ये है कि
सामान्यतः हम अपने एक विचार से बंधे रहते हैं कि फिर हम दूसरे विचार के बारे में सोच नहीं पाते हैं। तो जिस विचार से हम बंधे हुए हैं उससे मुक्त होने के लिए संप्रज्ञात समाधि होना आवश्यक है। बाकी मेरा चित्र के विषय में कोई जानकारी नहीं है और मैं कभी चित्र बनाया नहीं है। धन्यवाद। चलिए ठीक है। तो डीकंडीशनिंग का प्रोसेस जो है वो संप्रज्ञात समाधि से होता है। किसी और की कोई टिप्पणी? प्रोफेसर मोहन जी, अगर आप कोई इस विषय पे संक्षिप्त सी टिप्पणी रखना चाहें। जी सर, वेलकम। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने को। यस यस यस, यू आर ऑडिबल। इन्होंने जो बात रखी सुरेंद्र जी ने, इट वॉज मेरे लिए भी काफी कुछ नया सीखने को मिला। आई विल ऑल्सो शेयर माय एक्सपीरियंस। ये जो बताया कि जब वो पेंट करते हैं तो ही गोज इनटू द समाधि अवस्था, विच आई विल शेयर कि मेनी इयर्स बैक, मे बी 40 साल पहले, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बनाना था जो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। वो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मुझे बताया आपको ये तार यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, ये लगानी है। तो ये मैं लेके बैठा और मतलब उसको मुझे एक सर्किट बना, प्रिंटेड सर्किट बना, पीसीबी जिसको बोलते हैं। तीन दिन तक मैं उसी पे फोकस करता था। फाइनली वो मैं आई कुड बिलीव दैट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यू नो। सो देन व्हाट आई रियलाइज इज कि ऑल्दो दिस वाज नॉट माय सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, बट विच यू गेट वन इनटू इट, समथिंग हैपेंस। फाइनली हमारे शास्त्र तो ये बोलते हैं ना, यू आर अ निमित्त, वो आता है अंदर से ही है कहीं से। तो वो यू आर इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच इट कम्स आउट। एंड लेटेस्ट वन मोर एग्जाम्पल इज ऑफ दैट आर्टिस्ट हु मेड दैट रामलला के जो मूर्ति बनी, वो खुद वो साउथ का जो खुद बोल रहा था कि मैं, मेरे सामने जो चुनौती आई और वो जब वो यू नो बैठकर वो काफी सोचकर उसने मूर्ति बनाई। फाइनली वो अभी ही मेड अ स्टेटमेंट कि जो मूर्ति मैंने बनाई थी वो ये है ही नहीं, समथिंग एज इट इज, व्हाट ही हैज मेड दिस इज नॉट व्हाट इट इज। सो ऑल दीज आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लॉजिक आई थिंक, बट समथिंग क्रिएटिव इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद दैट क्रिएटर, दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस आल्सो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और यही बात है जो शैविज्म में और इसमें हमें दिखाई देती है। और इसी तरह से मतलब वो पूरा प्रोसेस दिखाई देता है कि वो आप मलों से भी समाप्त हो जाते हैं, और अगर आप वो प्रमाता के फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टेज पे चले जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ अलग ही उभर आता है। वो फिर व्यवस्था की बात नहीं है, वो किसी सिस्टम या प्रोसेस में नहीं है, बस वो सीधा चेतना की अभिव्यक्ति है जो उसमें उभर आती है, चित्र में और मूर्तिकला में। और बिल्कुल आपने उचित एग्जाम्पल दिया है कि भी वो रामलला की मूर्ति के लिए उसने कितनी पहले साधना की, महीना दो महीने तो वो एकांत में रहा और कितनी निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन ये वो सारा करके, और फिर जाके उसके भीतर जब वो जागृत हुआ, यानी कि मैं तो कहूंगा कश्मीर शैव दर्शन के हिसाब से वो जब छठी प्रमाता के स्तर पे पहुंचा, मंत्र मंत्रेश्वर के स्तर पे, तो जाके उसमें से वो अभिव्यक्त हुई रामलला की मूर्ति। तो बहुत बढ़िया है जी। और हमारे पास जी मेजर सुदर्शन जी। सर नमस्कार, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, और मेरा तो की टेक अवे ये रहा कि जो पहले आशुतोष सर ने दिखाया कि 16 उसके ऊपर कलाओं के ऊपर किस तरह से एक आर्टिस्ट के माइंड का इम्प्रेशन उन्होंने लिया, वो अपने आप में बड़ा अमेजिंग था। और मुझे एज बिकॉज आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे काफ़ी उसमें इंटरेस्ट आया कि दिस कुड बी वन ऑफ द वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द लेवल्स ऑफ आर्टिस्ट। तो एक तो ये कि आर्टिस्ट के माइंड के अंदर झांकने का एक स्केल मिल गया उससे। दूसरा सुरेंद्र सर, आपने जो कवर किया जिसमें कि फेस को आपने पूरा एक्सप्लेन किया जी। और उसमें 2D और 3D में ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के और ज्योमेट्री को लेकर के और मैथमेटिक्स जिस तरह से आपने डाला डिवीजन बना करके ग्राफ्स वगैरह को जी। और उससे मुझे लगता है कि मेरे देखने का नज़रिया बदल जाएगा। एटलीस्ट इससे ये ज़रूर है कि हम पेंटिंग्स को इवेल्युएट करने की थोड़ी सी अब हमें क्षमता आएगी कि हम जिसे देख रहे हैं अब शायद थोड़ा और गौर से देख पाएंगे उसको। और तीसरा, आपने जो कलर्स कॉम्बिनेशन और शेडोज को लेकर के भी जो मतलब एक्सप्लेन किया, दैट वाज रियली अमेजिंग। मेरा ये मानना है कि अब पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स,
और एक आर्टिस्ट जो है वो जिस तरह से परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रहा है या जिस तरह से वो विजुअलाइज कर रहा है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर के, उसकी एक इमेज कॉपी वो जो है हम जैसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और उस कॉपी में कुछ भाव या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोमिनेंट होकर के निकल करके आती हैं जो हमें उससे इमीडिएटली कनेक्ट कर देती हैं। जो आपने अपनी समाधि वाली जो पेंटिंग दिखाई इसमें भी जैसे आपने कलर्स की न्यूएंसेस को बताया और इसके बारे में बताया, मेरा इसमें एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, मूड बुद्धि हूँ, आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं, मेरा कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है आर्ट के अंदर, जस्ट एज ए प्लेन बहुत ही बेसिक नोविस व्यूअर की तरह मेरे मन में ये प्रश्न आया कि आपने जो इसमें शेडोज डाले उसमें फेस के ऊपर एक तरफ से शेडो डाला और पैरों के ऊपर एक तरफ से शेडो डाला, थीम ज्यादातर आपने जो डिवाइड करने की कोशिश की वो ब्लैक और साइन कलर के अंदर थी, फिर आपने जो व्हाइट कलर का उनको टॉप पहना दिया है साधक को, उससे ऐसा लग रहा है कि फोकस जो निकल करके आ रहा है वो बॉडी के ऊपर फोकस ज्यादा हो गया बजाय माइंड के, तो इसको मतलब ये थोड़ा विरोधाभास सा जो क्रिएट कर रहा है थोड़ा अगर इसके ऊपर आप प्रकाश डालें तो। दूसरा जो त्रिशूल है, त्रिशूल में बीइंग ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक्चुअली तो मुझे थोड़ा सा शेडोज के देख करके थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि वो लाइट त्रिशूल के टॉप पर पड़ रही है तो वो उसको इल्यूमिनेट कर रही है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उतने ही लेवल तक लाइट आई है, उसके नीचे पहुंची नहीं है, और इसलिए वो भी एक मतलब प्लेसिंग ऑफ जो लाइट सोर्स है उसको लेकर के कहीं भ्रम खड़ा कर रहा है कि वो लाइट सोर्स एग्जैक्टली है किधर, तो ये मतलब एज एन आर्टिस्ट आपने वो क्रिएट करने की कोशिश की है मिस्ट्री की फ्रॉम वेयर दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम, या थोड़ा इस पर अगर आप प्रकाश डाल सकें सर। बड़ी सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन है, बहुत इस पे मुझे भी क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो गए हैं, बट जो मैं जो दिखाना चाहता था सर, ये दिखाना चाहता था भाई त्रिशूल जो है वो सेंटर में है और वो डिविनिटी की सारी लाइट जो है वो सारी त्रिशूल से मिट हो रही है, तो उससे मतलब अगर आप लाइट देखें तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो इल्यूमिनेट हो रहे हैं टिल द स्टार्स एंड जो वो बनाया हुआ है हमने मून एक्सेट्रा। बट आप जो वाइट शर्ट की बात की वो आपने कहा है तो अब मैं भी वैसे सोचने लग पड़ा हूँ, मैंने पहले सोचा नहीं था, तो इनफैक्ट उसको भी हमें कुछ ग्रीन और उसमें ही करना चाहिए था शायद, तो वो ज़्यादा बेटर रहता, और मैं इसको एक बार ट्राई करके देखूंगा फिर आपको मैं फीडबैक दूंगा आपको। तो अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने रेज किए सर, मुझे बड़ा इसमें ऐसे ही अगर हम इंटरेक्शन करते हैं तो हमें भी पता लगता है हम कहाँ वीक हैं और कहाँ गलत हैं। उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं जो मुझे कई बार लगता है मुझे ठीक करनी चाहिए, या मैं जो लाइट है वो गर्ल का जो राइट साइड है उसको तो इल्यूमिनेट कर रही है, बट जो उसके लेफ्ट साइड में भी थोड़ी सी इल्यूमिनेशन है उसको मैं थोड़ा डीसेचुरेट करना चाहता था, क्योंकि उसका अगर आप शोल्डर देखेंगे तो बड़ी ब्राइट लाइट है उसके, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे लेफ्ट से भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो पहले मैंने सोचा था मून से कुछ रिफ्लेक्शन आ रही है, बट वो इतना ब्राइट है थोड़ा सा, आप जैसे ठीक कह रहे हैं लोगों को इल्यूजन होता है ये कहाँ से लाइट आ रही है, तो अगर मैं उसका लेफ्ट साइड में अगर डीसेचुरेट कर दूं लेडी का तो काफी हद तक वो आप मेरा ख्याल वो इन सिंक हो जाएगा ये सारा कुछ। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, चलिए थैंक यू। चलिए इससे पहले कि आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम दें, किसी और की कोई टिप्पणी? जी सुभाष जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारे पास 5 मिनट का समय है। जी 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 है, आपकी बात हम जरूर चाहेंगे। मैं क्योंकि कलाकार की बात हो रही तो इसलिए मैंने सोचा साझा करना अच्छा रहेगा। जी, और खास कर जब आपने रामलला के बारे में फिर कहा तो ये मन में फिर ये प्रसंग जागृत हो गया। एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने यहाँ पे बताया कि भाई मेरे मंदिर में एक मूर्ति बननी चाहिए जैसी आज तक कभी बनी ना हो। तो कंडीशन यही हुआ करती थी कि अगर राजा को मूर्ति पसंद नहीं है तो आदमी बेचारा खतरे में। तो बहुत ही कम लोग आगे आकर के फिर
मूर्ति बनाने के लिए तैयार होते। समो एक मूर्तिकार सिलेक्ट किया गया मूर्ति बनाने के लिए। लेकिन मूर्तिकार ने कंडीशन रखी थी, जो मूर्ति बनेगी उसका पत्थर मैं खुद चुन लूंगा। तो उसको लिया गया फिर जहाँ पे इनके रॉक रेमिनेंट्स थे वहाँ लेकर के उसके चार पत्थर सिलेक्ट कर दिए और वो जहाँ मंदिर बनना था वहाँ चारों पत्थर उठा के लाए गए। देन जो अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि जब आप कोई भी कैनवस लेते हैं या कोई भी मूर्तिकार पत्थर ले लेता है तो वो कहीं ट्रांस में चला जाता है मूर्तिकार। तो पहले पत्थर पे कुछ देर देखने के बाद उसने शुरू कर दिया अपना काम। कहते हैं कुछ समय होने के बाद ही पत्थर से आवाज आ गई, मुझे तुम्हारे काम से चुभन हो रही है, मैं ये तुम्हारी छिलनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो मूर्तिकार ने पत्थर को हटा दिया। दूसरे पत्थर पे बेचारा कुछ अपना फिनेंस करके फिर वहां मूर्ति का निर्माण शुरू कर दिया उसने। तो जब तक वो उसका पीछे वाला पोर्शन जो मूर्ति का नॉर्मली स्लांट रहता है वो पूरा वो बना गया और आगे का अब उसको कारू करना था फ्रंट पोर्शन, पत्थर से आवाज हो गई मेरा तो पूरा हो गया, इसके आगे मुझे मत छील लेना। इससे पत्थर पे आ गया, उसने मूर्तिकार ने पीछे वाला साइड स्लांट करने के बाद जो प्रभु के पैर बनाने थे वहां तक आ गया, वहां पत्थर नहीं चलाया कि मेरा इसके आगे छीनना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो तीसरा पत्थर भी साइड में रखा गया। देन द फोर्थ स्टोन वॉज देयर, उस पत्थर में मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। जब मंदिर बनाया गया तो थर्ड मूर्ति थी जिसमें सिर्फ प्रभु के पैर बनने के निशान पड़ गए थे। सिर्फ उस मूर्तिकार ने कहा कि अब इसका क्या करें, इसमें तो पीछे में नहीं इतनी मेहनत की है, और ये जहां पे प्रभु के मूर्ति का स्थापन था उसके साइड पे चार पिलर बनने थे, वो एक जगह वो पिलर बन के खड़ा हो गया। जो सेकंड स्टोन था जिसको सिर्फ पीछे से मूर्तिकार ने छिला था, वो पत्थर ने मूर्तिकार से प्रार्थना की कि ये जो सामने वाला पोर्शन जहाँ पे लोग माथा टेकने के लिए आएंगे और अपना पहला पैर रखेंगे प्रभु को छूने के लिए, मेरे को उल्टा करके वहां लगा देना। और जो पहला वाला था जिसने हाथ लगाते ही कहा कि मेरे में बर्दाश्त नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो मंदिर का जो फाउंडेशन था उसमें उन्होंने ऐसे ही रख दिया। तो मूर्तिकार के जो चारों पत्थर थे उन्होंने खुद ही फैसला किया कि हम कहाँ रखेंगे मंदिर में। सिर्फ मूर्तिकार के पास एक दृष्टि थी जो वो पहचान गया कि कौन सा पत्थर मुझे कहाँ लगाने जी। धन्यवाद। बहुत संवेदनशील बात है और जिसको ये समझ में आ जाए जो चेतना के ऊपर के स्तर पे होगा वो सचमुच इस बात को समझेगा। और ये वस्तुतः ऐसा ही है कि पत्थर बोलते हैं, जो कहावत कही जाती है वो वस्तुतः वो कलाकार के साथ वो संवाद उसका होता है, वो पेड़ हो वो पौधा हो। और ऐसी कई घटनाएं तो ध्यान में आती ही हैं कि जहाँ पे महावीर जैन जो है वो चले जा रहे हैं और रस्ते में जो है उनको किसी एक पौधे के सामने खड़े हो गए और घंटों खड़े रहे। तो वो शिष्य को उन्होंने बताया कि भाई मेरा इस पौधे के साथ संवाद है। और इस तरह की और बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर वस्तुतः संवाद होता है, लेकिन हाँ वो तभी होता है जब आप चेतना के एक विशेष स्तर तक आप पहुंचते हैं। अगर वो एक जड़ता पे और वो मूढ़ता के स्तर पे रहेंगे विक्षिप्तता के तो फिर तो वो कठिन है, लेकिन हाँ वस्तुतः वो चेतना के साथ मेरी चेतना एकाकार होती है ये तो कहा ही जा सकता है, ये तो बहुत प्रमाण उपलब्ध है। बहुत सुंदर आपने कहानी सुनाई है और बड़ी मीनिंगफुल है, तो आपका धन्यवाद। और यदि किसी और की कोई टिप्पणी है अंत में, नहीं तो हम यहीं आज की चर्चा को विश्राम देते हैं और धन्यवाद करते हैं।
चलिए, तो आज की इस चर्चा के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, और विशेष रूप से जी मोहन जी। एक रिक्वेस्ट थी सुरेंद्र से कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया हाउ टू विश्लेषण करते हैं ना पेंटिंग का। तो एक साल पहले आई हैड अटेंडेड वन प्रोग्राम ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक एप्रिसिएशन, एक छोटा सा उन्होंने कैंप में हमको समझा वेदर ही कैन कॉन्टेक्ट मान ऑनलाइन और समथिंग वॉट एवर ही इज कन्वीनियंट टू हिम, वेर ही कैन टीच पीपल लाइक अस हाउ टू इंटरप्रेट अ ड्रॉइंग in view of what he has taught us today. बिल्कुल सर, एनी टाइम जब भी आप कहें, इट कैन बी ऑन वन टू वन बेसिस और जैसे भी आप प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी कहेंगे। तो प्लीज शेयर मी योर नंबर, देन आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज़ माय वाइफ इज एन आर्टिस्ट, आई गो विद हर फॉर मेनी यू नो जहांगीर आर्ट गैलरी में पेंटिंग देखने जाते हैं, तो आई लुक एट इट एज एन लेमैन, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने ये जो पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में देखा, इसमें आदरणीय कमल नयन कपूर साहब जी का नाम आ रहा है। हाँ जी, वो पहले बहुत ही श्रद्धा और आदर के पात्र है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। एक तरफ हिंदी के विद्वान है और बहुत सारे पुराण ग्रंथों को अध्यात्म उन्होंने ग्रंथों को कविता में पिरोया है, साथ ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और अध्यात्म में जाकर के हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। यदि वो निवेदन, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, यदि वो कुछ इसके ऊपर टिप्पणी देना चाहें तो हम सबके लिए बड़ा लाभ। बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है कपूर साहब का। सर आप अपनी बात जरूर हमारे साथ साझा करें। जी थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाई बात, थोड़ा शायद उनका माइक थोड़ा सा दूर है उनसे, लेकिन चलिए आपके आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जी थोड़ा मुझे लगता माइक दूर है तो इसलिए आपकी आवाज हम स्पष्ट रूप से नहीं। जी 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 तो चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं, और आप सबका, सभी श्रोताओं का, प्रतिभागियों का, टिप्पणी करने वालों का, ऑब्जर्वेशंस देने वालों का, प्रश्न करने वालों का, सभी का आभार व्यक्त करते हैं, और सबसे ज्यादा आभार तो सुरेंद्र शंकर जी का। थैंक यू जिन्होंने अपने नाम के अनुकूल हमें जो है वो शंकर से आनंद तक ले गए। तो शम तो किया ही, शम तो शांति हो गई, लेकिन शांति में भी आनंद आ जाए, मुझे लगता है कि ये वैचारिक आनंद जो आपने उपलब्ध कराया है, इसके लिए हम जितना आपका आभार करें वो कम ही है व्यक्त करें। तो मुझे लगता है कि इस बात को हम अग्रसर और भी करेंगे, और कुछ ना कुछ देखते हैं कि आगे हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स और फिलोसफी और ट्रेडिशन को हम कैसे मिक्सअप कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस ग्रुप के साथ जुड़े रहें और थैंक यू कुछ इस तरह का करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और
अब आप मीटिंग जो है वो छोड़ सकते हैं आप सभी लोग।